Hello students, I am Neeraj Chasta, Team Physics CLC Seeker welcomes you all in today's paper solution of NLM friction test paper in physics eco test series. तो आप लोग का पेपर हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा. हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो पूरे पेपर्स की जो पेपर के सारे सॉल्यूशंस जो हैं या सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक की तरफ. देखें आप लोगों ने क्या किया है. क्वेश्चन नंबर वन बोलता है दैट ए प्लेयर कैचेस द क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम. अपने पास एक बॉल है जिसका मास कितना है, दैट इज 150 ग्राम. मूविंग, इट इज मूविंग एट अ रेट ऑफ दिस. ये अपने को वेलोसिटी दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा. इफ द कैचिंग प्रोसेस कंप्लीट्स इन 0.1 सेकंड, द फोर्स ऑफ द ब्लो एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर विल बी इक्वल टू. एक खिलाड़ी 150 ग्राम द्रव्यमान की 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील गेंद को पकड़ता है, कैच करता है. यह प्रक्रिया 0.1 सेकंड में कंप्लीट होती है. तो गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथ पर लगाया गया बल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है. ठीक है, एक सिंपल प्रॉब्लम है और इसके लिए हम लोग हमेशा, आप ये ध्यान रखें क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है, अपने पास एफ डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी माइनस क्या रहेगा, यू. दैट इज ये अपने पास क्या हो जाएगा, इंपल्स. और इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अपने को कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज द फोर्स. तो अपने को F कैलकुलेट करना है और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, प्रोसेस इज टेकिंग 0.1 सेकंड. M बॉल का मास अपने को कितना दिया है, 150 ग्राम. 150 ग्राम अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किस में, किलोग्राम में. M के S में सब चल रहा है तो दिस विल बी 150 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000. फाइनल वेलोसिटी, कैचिंग प्रोसेस में अपन ने बॉल को क्या किया है, रोका है. इसका मतलब बॉल का फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. बस सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी एफ, ये हो जाएगा मेरे पास 1/10 एंड इट विल बी कैंसल्ड बाय दिस. ये 15 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस 100. यहाँ पर ये बन गया ऐसा एंड विल बी गेटिंग, ये नेगेटिव जो आ रहा है, नेगेटिव आपको ये शो करेगा कि बॉल का मोमेंटम जो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. अपने को केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, दिस विल बी लाइक दिस. और फोर्स जो बन रहा है, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस 30 न्यूटन. इसका मतलब ये है, ये अपन ने एक्चुअली बॉल के लिए मोमेंटम चेंज कैलकुलेट किया है. बॉल को जब अपन कैच करेंगे तो बॉल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. बॉल आप पर किधर फोर्स लगा रही है, तो एक्शन रिएक्शन से अगर अपन बात करें तो आदमी पर किधर फोर्स लगेगा, आदमी पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन. ठीक है, कैलकुलेशन ये हो जाएगा मेरे पास, इधर 0 ये गया एंड 15 2. ये जो फोर्स है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल. ठीक है, बॉल का मोमेंटम जीरो करने के लिए बॉल पर माइनस 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है. और यहां पर अगर अपने को क्या पूछा है कि प्लेयर पर कितना या किधर फोर्स लगेगा, तो बॉल जो है, अगर बॉल इस तरह से मूव कर रही है, अपन हैंड के लिए बात करें तो ये अपने पास हैंड है और बॉल इधर मूव कर रही है, तो इस बॉल पर हैंड की वजह से जो फोर्स लगा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और एक्शन रिएक्शन से अगर अपन बात करें तो इस बॉल की वजह से इस हैंड पर सेम फोर्स विल बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड द रिजल्ट विल बी 30 न्यूटन. तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा, दैट इज 30 न्यूटन. सिंपल, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज ऑल्सो वैलिड इन वैक्टर फॉर्म. एफ वैक्टर डेल्टा टी इन टू एम वी वैक्टर माइनस क्या हो जाएगा, यू वैक्टर. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3. पहला क्वेश्चन आंसर नंबर 3. चढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं. अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, फाइव फोर्सेस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एक्ट ऑन ए पार्टिकल. फोर फोर्सेज आर ऑफ मैग्नीट्यूड F1 एंड वन हैज मैग्नीट्यूड F2 एंड दैट मैग्नीट्यूड F2 इज ग्रेटर देन F1. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी. ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि एक पार्टिकल पर हमारे पास पांच फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं. ऑल द फोर्सेज आर एट एंगल 72 डिग्री, जिनमें से चार का मैग्नीट्यूड जो है या चार का जो परिमाण है वो कितना है, F1 है, और उसमें से पांचवी का परिमाण जो है वो क्या है अपने पास, F2 है. ठीक है, तो चलते हैं. चार जिनका मैग्नीट्यूड F1 है उनके लिए बात करते हैं और पांचवा जिसका मैग्नीट्यूड F2 है उसके लिए अगर अपन देखें तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं. डायग्राम इस तरह से है, जैसे ये मेरे पास कोई FA है, FA ये F1 मैग्नीट्यूड वाला है. ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं. यहां से 72 डिग्री पर मैं अगर बनाऊं तो ये मेरे पास कोई FB है और FBB कौन है अपना, F1 मैग्नीट्यूड वाला है. यहां से 72 डिग्री पर अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास कोई FC
सी है, ठीक है, और ये भी एफ वन मैग्नीट्यूड वाला है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल जो चल रहा है वो 72 डिग्री है। अगला वेक्टर बोलता हूं, दिस इज लेस से एफ डी, और ये भी कितने का है अपने पास, एफ वन मैग्नीट्यूड वाला है, और अब अपने पास ये है एफ, ये सारे एफ वन मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपना एफ टू है। क्या बात समझ आ रही है? तो यहां पर अगर अपने को इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, और आपको ये बोला हुआ है कि दिस एफ टू इज ग्रेटर देन दीज ऑल एफ वन, तो ये अपना वेक्टर डायग्राम हो गया। ये एंगल कितने हो गए, 72 डिग्री हो गए। अब अपन यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इन सब का रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करना है तो यहां पर पहले चलते हैं कि अपना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। एफ नेट की अगर मैं बात करूं तो एफ नेट क्या बनेगा, दैट इज एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस क्या बनेगा, एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, एफ टू वेक्टर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये नेट फोर्स रहेगा। बट अब इनको कैसे सॉल्व करें, ये अपने पास क्या है, 72 डिग्री के ये डिग्री पर ये अरेंज चार वेक्टर हो गए, तो अब इसको सॉल्व नहीं करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन अपना पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पुराना कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक पॉइंट पर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स इक्वल एंगल्स पर एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। कहने का मतलब, मैं यहां पर अगर बोलूं कि इस जगह ये F2 नहीं होता और इस जगह पर ये सारे वेक्टर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता, इक्वल होता, तो अपना डायग्राम कैसा बनता, अपना डायग्राम बनता ये रहा अपना कौन FA, ये रहा अपना कौन, ये बन जाएगा अपना FB, ये रहा अपना कौन बन जाएगा, ये अपना FC है, ये 72 डिग्री है डायग्राम, आप समझ सकते हैं। ये अपने पास कौन हो जाएगा, दिस विल बी FD, और इधर अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास अब बोल रहे हैं दिस इज लेस से एफ, ठीक है, और ये सारे F1 मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या होता, जीरो होता। यानी कि अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी प्लस अपने पास क्या हो जाएगा एफ ई, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये अपन पहले से जानते हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स इक्वल एंगल पर एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो रहेगा। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बट इसमें थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं, और पुराना इन द सेंस कि दैट इज वेरी रूटीन कॉन्सेप्ट। अब यहां पर अगर मेरे को देखना है तो अपने को क्या चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी चाहिए, जिसमें से एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी जो है इन सब का रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट विल बी माइनस एफ ई, और ये सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, यानी कि इस एफ ई का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, एफ वन मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, और इन चारों का रिजल्टेंट एफ ए एफ बी एफ सी और एफ डी का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, माइनस एफ ई आ रहा है, ठीक है। तो माइनस एफ ई आने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में मैं इन चारों का रिजल्टेंट बोलूं तो एफ ई इधर था अपना, एफ ई इधर है, माइनस एफ ई किधर जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो सिचुएशन बननी है, इस डायग्राम में मैं यही चीज मैप करूं तो इन चारों का रिजल्टेंट जो रहेगा वो इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन बनेगा, अपना एफ ई बनेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड एफ टू है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारे पास, एफ वन है, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनना है वो कितना होना है, एफ टू माइनस एफ वन, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा हमारा F2 minus, if this F is of magnitude F1, and our resultant will be F2 minus F1. Are you getting this point? एक बढ़िया क्वेश्चन है, that is, this will be our answer of second question, that the resultant on the particle will be F2 minus F1, where it is given that F2 is greater than F1. देखें, एक बढ़िया क्वेश्चन, देखें इस तरह से इसको सॉल्व किया। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि अगर किसी पार्टिकल पर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स इक्वल एंगल पर एक्ट कर रहे हैं देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव दिस सिस्टम, वी हैव टू वुडन ब्लॉक्स एंड दीज आर मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट मास एम रिमेन्स स्टेशनरी, मास स्मॉल एम रिमेन्स स्टेशनरी, mass small m remains stationary with respect to the block of mass m. ये जो mass m है, ये इस m mass के respect में stationary है. As shown in figure, the magnitude of this force is. तो ये force जिस तरह से act कर रहा है, उसके according अगर अपन बात करें, तो पहले ये system, ये दोनों एक दूसरे के respect में stationary है. हिंदी में अगर बोले, तो ये दोनों गुटके जो हैं, क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर इस प्रकार गति कर रहे हैं कि ये जो m द्रव्यमान का पिंड है, ये बड़े m द्रव्यमान पिंड के साथ में क्या है? विरामावस्था में है, यानी कि ये यहीं पर है और इसकी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो इस बल का परिमाण होगा। तो यहां पर अगर अपन देखें तो एक तो अपने को दिख ही रहा है कि ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कितने मास का हो गया, m प्लस कैपिटल m प्लस स्मॉल m। तो अगर अपन यहां पर f के लिए बोले
देन दिस एफ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है, सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, तो सिस्टम ए एक्सेलरेशन से अगर इधर जा रहा है तो अब अपन इस फ्रेम में बैठे हैं, इस फ्रेम में बैठ के अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो इस फ्रेम से अगर अपन इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेस्ट पर है, यानी कि इस पर सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस है। आप एक इनर्शियल फ्रेम में है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में है, सॉरी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम में है, जहां पर आपके पास सिस्टम एक्सेलरेटेड है, तो इस पर क्या रहेगा, हमारे पास शूडो फोर्स एक्ट कर रहा है। शूडो फोर्स के लिए अगर अपन चलते हैं तो मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और सिस्टम इधर a एक्सेलरेशन से है तो इधर की तरफ आपके पास क्या रहेगा, शूडो फोर्स दैट विल बी ma। ठीक है, और यहां पर अगर अपन यहां पर बात करें तो ये एंगल अगर आपके पास बीटा है तो इस नॉर्मल का ऊपर से बनने वाला एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, बीटा रहेगा। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास स्टेशनरी है, यानी कि n के कंपोनेंट जो रहेंगे वो इन दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और n के लिए अगर इक्वेशन लिखें, देन n cos बीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास mg, और अगर इधर की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n sin बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ma। मैं यहाँ क्या करता हूँ, साइन अपॉन कॉस के लिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन साइन बीटा अपॉन एन कॉस बीटा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, और हम लोग देख सकते हैं दैट ए विल बी इक्वल टू जी टेन बीटा, ए विल बी इक्वल टू जी टेन बीटा। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स हमारे पास ये रहा जिसमें एम प्लस एम इंटू कितना रहेगा ए, तो हमारे पास नेट फोर्स की अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू ए की वैल्यू है आपके पास जी टेन बीटा, जी टेन बीटा, तो रिजल्ट हमारे पास रहेगा एम प्लस एम इंटू जी टेन बीटा। देखें कहां रहा, एम प्लस एम इंटू जी टेन बीटा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का अपना आंसर रहेगा आंसर नंबर फोर। एक सिंपल क्वेश्चन है, शूडो फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया। वैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि देखो फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये जी टेन बीटा है, टेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डायमेंशन लेस रहते हैं, तो यहां पर आपके पास केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन रहा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। देखें m प्लस एम ये मास है और वापस से ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो डायमेंशन लेस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहां पर mg cos बीटा है, mg बन रहा है, और यहां पर भी m प्लस एम इंटू जी टेन बीटा है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे डायमेंशन से भी हम लोग यहां पर थोड़े से आंसर्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर रहेगा आंसर नंबर फोर। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, m प्लस एम इंटू जी टेन बीटा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, ए स्टोन ऑफ मास 1 केजी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। एक 1 केजी द्रव्यमान का पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है, गति के शीर्ष बिंदु जहां पर यह क्षणिक विरामावस्था में होता है, पत्थर पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा होगी। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पर आप इतना जानते ही हैं हम लोग कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फायर कर रहा हूं, ठीक है, तो ये यहां पर जाके रुकेगा, इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, बट इस पर एक्सेलरेशन इस टाइम पर जीरो नहीं है, इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पर अपने पास क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स एफ विल बी इक्वल टू एम जी, जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का मास आपको दे रखा है दैट इज 1 केजी, 1 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास कितना 9.8, तो 9.8 न्यूटन, और ये फोर्स किधर रहेगा, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एकदम सिंपल क्वेश्चन, और बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की मोमेंटरली वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन है और इसकी वेलोसिटी भी इस मोमेंट पर जीरो हुई है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होने का जो प्रूफ है वो ही ये है कि आफ्टर नेक्स्ट मोमेंट, ऑन द नेक्स्ट मोमेंट इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये अगले क्षण अपनी गति की दिशा क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो हमारे पास रिजल्ट जो रहेगा 9.8 न्यूटन एंड दिस विल बी डाउनवर्ड, नीचे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर रहेगा दैट विल बी 9.8 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन सिंपल क्वेश्चन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव।
A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does it take the body to stop? How long it will take to for the body to stop? Okay. 50 न्यूटन का एक अवमंदक बल 15 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो पिंड को कितने में रुकने में लगा समय होगा? तो फिर से यहां पर क्वेश्चन पढ़ते ही अपने के दिमाग में आ जाना चाहिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एफ डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस क्या हो जाएगा यू. ठीक है, हमारे पास फोर्स कितना है दैट इज 50 न्यूटन. इधर टाइम अपने को कैलकुलेट करना है, ऑप्शंस में अपने पास टाइम कैलकुलेट करना है. एम की वैल्यू अगर अपन बोले तो एम कितना अपने पास 20. इधर v की वैल्यू v is इनिशियली हमारे पास वैसे भी रिटार्डिंग फोर्स है तो बेसिकली इसको अपने को ऐसे लिखना चाहिए दिस विल बी माइनस 50. अपने को रोकना है ऑब्जेक्ट को तो दिस विल बी 0 माइनस अपने पास इनिशियल कितना हो जाएगा दिस विल बी 15. तो देख लेते हैं दिस t विल बी इक्वल्स टू ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 20 इंटू कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर चल रहा है अपने पास 50. ठीक है, ये भी माइनस में माइनस माइनस प्लस वैसे मैग्नीट्यूड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये 15 30 ये हो जाएगा 300 अपॉन कितना हो जाएगा 50. तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 6 सेकंड. तो क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट रहेगा हमारे पास 6 सेकंड. क्वेश्चन नंबर 5 6 सेकंड विल बी द टाइम इट द ऑब्जेक्ट विल टेक टू स्टॉप. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. A packet is released from a rising balloon accelerating upward with an acceleration a. एक upward accelerated balloon से एक packet को अपन ने drop किया है. ठीक है, the acceleration of packet just after the release is. Packet को release करने के just बाद अपने को उसका acceleration बताना है. ठीक है, तो एक आप ध्यान रखेंगे हमेशा motion का basic concept है. If an object is separated from ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु किसी गतिशील वस्तु से अलग होती है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग उस मूल वस्तु के वेग के क्या रहेगा, बराबर रहेगा. यानी कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज सेपरेटेड विल बी सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. ठीक है, बट यहां पर एक्सेलरेशन पर कोई ऐसा इशू नहीं है. अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और बलून ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये अपने पास हो गया बलून और इस बलून ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से. यहाँ पर एक पैकेट अगर यहाँ से ड्रॉप होता है तो अगर लेस से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर वी होती तो ये पैकेट जो ड्रॉप हुआ है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ वी होती. बट अपने को क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछा है, अपने को एक्सेलरेशन पूछा है और ये ऑब्जेक्ट अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इफेक्ट में है. तो ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर रहेगी एज द वेलोसिटी ऑफ द बलून. ठीक है, वेलोसिटी ऊपर रहेगी जो बलून की वेलोसिटी है, बट इसका एक्सेलरेशन जो रहेगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अपने पास जो रहेगा इसका रिजल्ट छठे का आंसर रहेगा 6 क्वेश्चन का, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जी एंड इट विल बी डाउनवर्ड. तो जी डाउनवर्ड. ठीक है, पिंड का त्वरण जी नीचे की ओर रहेगा. अगर पिंड के वेग की बात करेंगे तो पिंड का प्रारंभिक वेग जो रहेगा वो बलून के वेग के क्या रहेगा, बराबर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कंप्लीट किया, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 7 पर. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 ये बोल रहा है इन दिस डायग्राम इन द फिगर ए ब्लॉक ऑफ 10 kg इज इन इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई द स्ट्रिंग इन विच टेंशन इज 0. ठीक है, दर्शाए गए चित्र में 10 kg का एक पिंड साम्यावस्था में है, डोरी जिसमें तनाव शून्य है वह होगी. ये अपने पास एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग जो है वो है अपने पास ये ए बी और सी, इनमें से कौन सी स्ट्रिंग रहेगी जिसमें टेंशन 0 रहेगा. इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. इधर अपने पास इसका वेट रहेगा दैट विल बी डब्ल्यू. तो इधर जो टेंशन की अगर अपन बात करें दिस टेंशन विल बी इक्वल्स टू दिस टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग नंबर ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू. इसमें तो टेंशन 0 नहीं रहेगा. अब अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो मैं इस स्ट्रिंग को रेफर करता हूं, इसमें अपने पास टेंशन कितना हो गया W जो 0 नहीं है. इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन मेरे पास TB है तो इस TB का एक कंपोनेंट जो रहेगा वो इसको बैलेंस करेगा W को, और इस TB का एक कंपोनेंट जो रहेगा वो अगर मैं लिखूं TB ये हो जाएगा मेरे पास TB का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज TB cos 30 और इस TB का इधर वाला कंपोनेंट लिखूंगा TB sin 30.
तो TB cos 30 जो रहेगा वो इस W से बैलेंस होगा, और इस TB sin 30 को बैलेंस करने के लिए इधर भी टेंशन अपने पास क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, वो अपने पास क्या रहेगा TC। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो हमारे पास हो जाएगा TB cos 30 दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और अगर अपन यहां पर बात करें TB sin 30 दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास TC। क्या बात समझ आ रही है? अगर ये स्ट्रेट होती, स्ट्रेट होती तो ये टेंशन जो रहता वो इसको बैलेंस कर देता और इसमें टेंशन जीरो हो जाता, क्योंकि अपने पास थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती, साइन जीरो अपने पास कितना हो जाता, जीरो, तो टीसी की वैल्यू जीरो आ जाती। बट अभी ये थोड़ा टिल्टेड है तो यहां पर हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं है, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर रहेगा हमारे पास किसी भी टेंशन में, किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को यहां दिया है, वी हैव इफ स्प्रिंग बैलेंस इज मासलेस फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, ठीक है, यदि स्प्रिंग तुला द्रव्यमानहीन हो तो दर्शाए गए संयोजन में स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा, ठीक है, अपने पास ये रहा स्प्रिंग बैलेंस और ये मासलेस है, ठीक है, तो इसका रीडिंग क्या होगा वो अपने को बताना है। एक, अगर इसको अपने को मासलेस बोला है यानी कि इसका m जीरो है, यानी कि ये अगर मूव कर रहा है उस केस में हमारे पास इसकी जो स्टेट रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, ये अपने पास स्प्रिंग बैलेंस है और इसका m जीरो है, यानी कि इसका इधर और इधर की तरफ फोर्स जो है वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेट्स से मैं इधर का टेंशन T1 ले लेता और इधर का टेंशन T2 ले लेता, तो मैं इसकी इक्वेशन लिखता, लेट्स से ये इधर की तरफ मूव करता, तो आप इक्वेशन क्या लिखते, स्प्रिंग बैलेंस की इक्वेशन लिख रहे हैं, T1 माइनस T2 That will be equals to m into a, और आपको ये बोल दिया कि ये massless है, यानी कि T1 minus T2 will be equals to 0, यानी कि T1 will be equals to T2, ठीक है? कहने का मतलब स्प्रिंग बैलेंस के दोनों तरफ जो टेंशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, पॉइंट नंबर 1। अब इस स्ट्रिंग को अपन ने इक्वल फोर्स से खींचा है, यानी कि इसका जो रीडिंग रहेगा वो वही रहेगा जिस फोर्स से आप इसको खींच रहे हो। कहने का मतलब अगर अपने पास इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग की बात की जाए तो इस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग रहेगी दैट विल बी द टेंशन इन दीज स्ट्रिंग्स। ये कौन है अपना टी, जो कि अपन ने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों तरफ क्या रहना है, सेम रहना है, ठीक है, टी, बिकॉज दिस स्प्रिंग बैलेंस इज मासलेस, तो इसकी रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की क्या रहेगी, जिस फोर्स से अपन इसको खींच रहे हैं वही स्प्रिंग बैलेंस की क्या होती है, रीडिंग होती है, ठीक है। तो अब अपने को बेसिकली ये पता करना है, स्प्रिंग बैलेंस वैसे भी मासलेस हो गया है, तो आप इस सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं, क्या इस सिस्टम को अपन एक स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं और इसमें टेंशन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहेगा। टेंशन चलो सॉल्व करते हैं, ये दो मासेज हैं इधर की तरफ जाएगा, हम लोग जानते हैं ऐसे सिस्टम जब भी होते हैं उसमें टी क्या रहता है, 2m1 m2 जी अपॉन क्या हो जाएगा, m1 plus m2। ये अपन इसको सीधा डिराइव भी कर सकते हैं, वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से दोनों का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड रहेगा, एक्सेलरेशन निकाल के टी की इक्वेशन लिखेंगे तो टी की इक्वेशन ये बनेगी। पहले इस पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास कौन, 2m1 10, m2 कितना है अपने पास 5, g की वैल्यू अपने पास हो गई 10, अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2, ये बन जाएगा 15, तो ये जाएगा मेरे पास 3 बार, 10 × 10 × 2, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 200, अपॉन कितना बन जाएगा 3 न्यूटन। तो इस सिस्टम के लिए रिजल्ट रहेगा हमारे पास, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 200 upon 3 न्यूटन एंड द सेम विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस एक सिस्टम जिसमें अपने पास जो रीडिंग रहेगी इस क्वेश्चन के लिए दैट विल बी 200 upon 3 न्यूटन। तो आठवें का आंसर अपने पास कितना रहेगा, दैट विल बी 4, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9, ए फोर्स F1 एक्सेलरेट ए पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v, ठीक है, एक F1 फोर्स है जो एक पार्टिकल को कुछ रेस्ट से, ये पार्टिकल अपने पास रेस्ट पर है, इससे ये यहाँ पर इस पार्टिकल को कितने पर लेके जा रहा है, v पर लेके जा रहा है, फोर्स कौन है अपना F1 है, ठीक है, एंड अनदर फोर्स F2 डी एक्सेलरेट द सेम पार्टिकल फ्रॉम v टू रेस्ट। यहीं से अपने पास वापस ये है कि ये v है और यहाँ से एक दूसरा फोर्स है F2 जो हमारे पास इस पार्टिकल को फिर से किस पर लेके आ रहा है, इधर फाइनल वेलोसिटी क्या कर रहे हैं अपन, जीरो कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है। तो ये मुद्दा पूरी तरह से अगर अपन F की बात करें तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन की यहां पर बात करूं तो कितना हो जाएगा F1 अपॉन m,
और इधर अपन अप्लाई करें v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो v दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इनिशियली 0 प्लस ये हो जाएगा f1 अपॉन m इनटू कितना हो जाएगा t, ठीक है। और यहां पर अगर अपन बात करें तो वापस से अगर अपन ये बोले इधर से चलते हैं तो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v है, एक्सेलरेशन अपने पास रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है, और मैं इक्वेशन ही वापस से लिख रहा हूं, ये चला गया है क्वेश्चन, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ गई है दैट v विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास f1 अपॉन m इनटू कितना है t, और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा जिसमें अगर अपन रिटार्डेशन को कंसीडर करें तो v इक्वल्स टू हमारे पास u प्लस ये बन जाएगा f2 अपॉन m, और ये रिटार्डेशन है तो इनटू t, और फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है अपने को 0 करना है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपने पास v है, तो यहां से v जो बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे पास कितना दैट विल बी f2 t अपॉन m, वापस ये रिटार्डेशन वाली इक्वेशन रह गई। अपने को F1 और F2 कंपेयर करना है, तो मुद्दा ये है कि आपको ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये टाइम कितना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाला टाइम T1 बोल देता हूँ और दूसरे वाला टाइम T2 बोल देता हूँ, तो F1 और F2 की वैल्यू अगर अपन यहाँ से कंपेयर करें तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर इक्वल, तो एफ वन टी वन दैट विल बी इक्वल टू एफ टू टी टू, ठीक है, बिकॉज दिस वी एंड दिस वी इज इक्वल, एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एफ वन टी वन विल बी इक्वल टू एफ टू टी टू, और इन में से इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये चीजें टाइम पर डिपेंड करेगी, कहने का मतलब F2 जो है वो F1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब ये दोनों टाइम्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो नाइन्थ का अपना जो रिजल्ट रहेगा दैट रिजल्ट विल बी F2 मे बी स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू F1, ठीक है। इक्वेशंस में अपन देख रहे हैं ये सारा मामला जो है, ये जो क्वेश्चन सारा मामला जो हिडन है इसमें वो ये है कि ये सारी चीजें जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगी, कितने टाइम में जीरो से वो वी अचीव कर रहा है और इधर कितने टाइम में वो वी से वापस जीरो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा अपना आंसर नंबर 3, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ इंपल्स विल बी सेम एज दैट ऑफ, सिंपल, इंपल्स होता क्या है, दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इंपल्स और मोमेंटम की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर नंबर क्या रहेगा हमारे पास, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, कुछ भी नहीं। आवेग का मात्रक किसके बराबर रहेगा, आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि आवेग का मात्रक और संवेग का मात्रक क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, ए ट्रक एंड ए कार, चलो बात करते हैं, ए ट्रक एंड ए कार इज मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, ठीक है। इफ इक्वल रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है, बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये पूछा है, ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस, बात डिस्टेंस की करनी है और आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी इक्वल दे रखी है। पहले एक ट्रक तथा कार एक समान वेग से गतिशील है, ठीक है, ब्रेक द्वारा दोनों पर एक समान अवमंदक बल लगाया जाता है, एक समान अवमंदक बल, फोर्स सेम है, दोनों कुछ दूरी चलकर रुक जाते हैं तो उनके रुकने के लिए जो दूरी चली गई है वो किसकी कम ज्यादा रहेगी, उसके बारे में अपने को बात करना है। तो सॉल्व करते हैं। अब ये अपने पास सिचुएशन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है, दोनों ऑब्जेक्ट किससे चल रहे हैं, इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, दोनों के लिए फोर्स अपन ने रिटार्डिंग फोर्स जो यूज किया है वो सेम यूज किया है, फोर्स सेम है, ठीक है, और दोनों रुक रहे हैं उस टाइम तक इनकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में अपने को बात करनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू दैट इज इक्वल टू वी, और फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितनी है, जीरो है, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रह जाएगा, दैट विल बी एफ अपॉन एम, कहने का मतलब जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, फॉर इक्वल फोर्स। चलते हैं यहां पर, हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2as, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अपने को कितना है v स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस f अपॉन क्या हो जाएगा m, और ये हो जाएगा अपने पास s। तो यहां से मैं इस चीज को इधर लेके जाता हूं तो मेरे पास बन जाएगा 2fs अपॉन क्या हो जाएगा m,
दैट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर. अब क्या बात करना है, अपने को डिस्टेंस बताना है और v इनका सेम है, f इनका सेम है. तो अगर अपन यहां पर देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास m v स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा f. ये वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ये अपन ने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम आपका नेक्स्ट माइनर है, तो अभी इसके लिए अपन इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या है, v सेम है, f सेम है, तो आप लोग देख रहे हैं दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू मास. जिसका मास ज्यादा रहेगा वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा. ट्रक का मास ज्यादा रहेगा तो ट्रक की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. कार का मास कम रहेगा, यानी कि कार की जो डिस्टेंस रहेगी वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी. तो द कार विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट. कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 11, आंसर नंबर 2, एक सिंपल क्वेश्चन. ऐसे और भी कंडीशंस आपके साथ में चेंज हो सकती है. एक क्वेश्चन अपने पेपर में आगे और भी है, अपन बात करेंगे उसके लिए, अभी आएगा वो. दिस क्वेश्चन, ओके, कार विल कवर लेस डिस्टेंस. कार का मास कम तो कार की डिस्टेंस कवर्ड विल बी लेस. डन, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, मेटल स्फीयर इज हैंग बाय ए स्ट्रिंग फिक्स्ड टू द वॉल. द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर आर शोन इन फिगर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक धातु का एक पिंड चित्रानुसार डोरी की सहायता से दीवार से लटकाया गया है. पिंड पर आरोपित बल चित्र में दर्शाए गए हैं. निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे. ठीक है, ओके. यहां पर हमारे पास तीन फोर्स है, एक आर है, एक आर है, एक डब्ल्यू है, और एक अपने पास कौन है, टी है. ठीक है, और अभी यह ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. इट इज फिक्स टू द वॉल, स्ट्रिंग फिक्स टू द वॉल, और ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है. इसका मतलब इस पर जो सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा. और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सबका वेक्टर सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा. तो एक तो अपन ये लिख सकते हैं कि टी वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो. पॉइंट नंबर 1, ठीक है, इन तीनों का वेक्टर सम जीरो रहेगा. तो टी वेक्टर, आर वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, ये तो हो गया अपना करेक्ट. अब वापस से बात करते हैं, तो इसने ये रिलेशन भी कुछ दे रखा है. तो यहां पर अगर अपन देखें तो हम लोग देख सकते हैं टी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर. ठीक है, वो भी ऑब्वियसली करेक्ट है. ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट जो जाएगा वो क्या जाएगा, इधर की तरफ जाएगा. और 90 डिग्री पर होने पर इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. और टी जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे. यानी कि टी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा दैट विल बी, टी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, या टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. ये भी क्या रहेगा, अपना करेक्ट रहेगा. ठीक है, अब आगे. वैसे तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही हो गया है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर सम नॉट मैग्नीट्यूड सम. ठीक है, ये सदिश योग जीरो रहेगा, सीधा सीधा योग जो है वो जीरो यूज नहीं रहेगा. अगर अपने को और रिलेशन चाहिए तो अपन यहां पर और भी देख सकते हैं. टी बराबर आर प्लस डब्ल्यू, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये सिंपल ही दिया हुआ है. तो मैग्नीट्यूड में ये इक्वल नहीं रहेंगे. टी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो एक्चुअली, अगर टी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये बनेगा आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. क्या बात समझ आ रही है. इस रिलेशन को अगर अपन देखें तो अपने पास क्या क्या सही हो गया, ए सही है, बी सही है, और डी के लिए अगर अपन बात करें तो चलो यहां पर This angle is theta, means this angle is theta. इस t का इधर वाला component ये बन जाएगा अपना t cos theta. इस t का इधर वाला component ये बन जाएगा अपने पास कौन, t sin theta. तो t sin theta और r तो बराबर हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ t sin theta is equals to क्या हो जाएगा मेरे पास r, और t cos theta जो रह जाएगा, t cos theta जो रह जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, w हो जाएगा. डिवाइड करने पर sin theta upon cos theta क्या बन जाएगा अपने पास, tan theta, that will be equals to r upon क्या हो जाएगा, w. तो r को अपन लिख सकते हैं, r will be equals to w tan theta, r will be equals to w tan theta. ये रहा अपने पास. तो a b और d करेक्ट हैं, a b d करेक्ट हैं. तो a b d, a c गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, c गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, c गलत है, ये भी ऑप्शन, a b d. तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, एक इक्विलिब्रियम का एक बढ़िया क्वेश्चन. चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर. क्वेश्चन नंबर 13, चलते हैं. A truck and car moving with equal momentum. Okay, अब अपने पास क्या है, momentum है. Initial momentum दोनों का क्या है, same है. ठीक है, और if equal retarding force is applied on each by applying brakes, ठीक है, both will come to rest after certain time. ठीक है, तो अपने को ये check करना है कि दोनों के लिए किसका time ज्यादा रहेगा, किसका time कम रहेगा, उसके लिए बात करते हैं. तो
अब अपने को मोमेंटम इक्वल दे रखा है, ठीक है, देखते हैं ये पार्टिकल है दोनों, ठीक है, और इनका मोमेंटम सेम है, वापस से मैं तो उसी पे जाऊंगा, क्या है अपने पास, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और टाइम की बात कर रखी है, फोर्स दोनों पर इक्वल है, हम लोग जानते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है हमारे पास, एफ डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, पी फाइनल माइनस क्या है, पी इनिशियल, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो फोर्स अपने पास रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब मैं माइनस एफ पुट कर देता हूं, डेल्टा टी अपने को कैलकुलेट करना है, फाइनली अपने को ऑब्जेक्ट को क्या लेके आना है, रेस्ट पर लेके आना है, और इनिशियल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास पी, माइनस माइनस अपने पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अगर अपन बात करें डेल्टा टी की तो डेल्टा टी रहेगा अपने पास मोमेंटम अपॉन फोर्स, ठीक है, जो सिंपल एक तरह से अपने पास फोर्स की डेफिनेशन भी होती है, दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब अपन दोनों के लिए कंपेयर करते हैं, अपने पास फोर्स क्या है, इक्वल रिटार्डिंग फोर्स है पॉइंट नंबर वन, और मोमेंटम भी क्या है हमारे पास, इक्वल है, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इक्वल, दोनों ऑब्जेक्ट पर रिटार्डिंग फोर्स इक्वल, तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मींस कार एंड द ट्रक विल टेक इक्वल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, टाइम की बात करी है, तो अपने पास जो आंसर रहेगा इसका 13 क्वेश्चन का आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, बोथ द ऑब्जेक्ट विल टेक इक्वल टाइम। आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई यूज वो नहीं है, v = u + at अप्लाई करें और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियली अगर इनका मोमेंटम सेम है तो अपन ये जीरो, ये हो जाएगा मेरे पास u प्लस ये बन जाएगा मेरे पास f अपॉन m इनटू कितना हो जाएगा t, ठीक है, और रिटार्डिंग फोर्स है तो माइनस, तो u = टू आपके पास क्या हो जाएगा f t अपॉन कितना हो जाएगा m, और वापस से इस m को इधर ले जाऊंगा तो m u जो बन जाएगा वो मोमेंटम बन जाएगा एंड मोमेंटम एंड दिस विल बी इक्वल टू f इंटू t, तो वापस वही इक्वेशन बनेगी, एक बढ़िया क्वेश्चन है, Both the objects will take equal time before coming to rest. Question number 13, answer number 3. चलते हैं अपन question number 14 पर. Question number 14 क्या बोल रहा है? A body of 5 kg is moving with velocity 20 meter per second. A force of 10 newton is applied on it for 10 seconds in the direction perpendicular to its initial velocity. ठीक है? What will be the What will now be the velocity of the object? ठीक है, 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, यदि 10 न्यूटन का एक बल प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा में 10 सेकंड तक आरोपित होता है, ठीक है, तो वस्तु का अंतिम वेग होगा, देखो क्या है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी अपने को कितनी दे रखी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और एक फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि मैं इसको बोल देता हूं दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, और ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है हमने को, दैट इज 5 केजी, ठीक है, तो 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो यानी कि मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी 10/5, ये बन जाएगा मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इस इनिशियल वेलोसिटी। What will now be the velocity? 10 second के बाद अपने पास resultant velocity कितनी रहेगी? तो इस force की वजह से ये particle जो move करेगा वो ऐसे move करेगा, क्योंकि velocity के perpendicular direction में, initial velocity के perpendicular direction में force apply हो रहा है। Initial velocity की direction ये perpendicular direction में force। इधर अगर अपन बात करते हैं तो इस direction को मैं x direction consider कर लेता हूँ, तो इस direction में यहाँ पर final velocity vx हो और इस direction में final velocity मेरे पास क्या हो vy हो, तो 2D motion के according solve करेंगे, vx will be equals to क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ux plus ax into t, x direction में कोई force नहीं है, x direction में acceleration 0, यानी कि vx will be equals to ux that will be equals to 20, क्योंकि x direction में सारी velocity कितनी है 20, सारी की सारी x direction में। अब अपन बात करेंगे vy, vy that will be equals to uy plus क्या हो जाएगा ay into t, final velocity in y direction पता करना है, initial velocity इधर 0 है क्योंकि particle की सारी velocity x direction में है, y direction में कोई velocity नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, दिस इज 2, और टाइम कितना अपने पास, दैट इज 10 सेकंड, तो टाइम अपने पास 10 सेकंड है, तो अगर अपन बात करें वी वाई के लिए तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, तो ये भी कितना हो गया अपने पास 20। अब अपने पास रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करनी है, देन रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट बीस स्क्वायर प्लस बीस स्क्वायर, बीस स्क्वायर प्लस b square, this will be 20 under root 2, तो अपना जो result रहेगा, that will be 14th का answer रहेगा 20 under root 2, 20 under root 2, 14th question का answer
3, 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक 2D मोशन प्लस फोर्स का क्वेश्चन है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये इन ओ डायग्राम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट विल बी, सिस्टम में एक डायग्राम आपको दे रखा है और इसमें आपको इस कार्ट का एक्सेलरेशन बताना है। दर्शाए गए चित्र में गाड़ी का त्वरण होगा। सबसे पहले तो ये ग्राम में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 kg। ठीक है, फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन, एक्सेलरेशन अपने पास कितना हो जाएगा 50, कैलकुलेशन आगे चल गई, दिस विल बी 50 अपॉन अपने पास क्या हो जाएगा 2, दैट एक्सेलरेशन इज 50 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राम में आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2000 ग्राम दैट विल बी इक्वल टू 2 kg, और अपने पास जो है एक्सेलरेशन बन जाएगा 50 अपॉन 2, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 15 का आंसर बन जाएगा हमारे पास 1, और हाँ तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको कन्वर्जन नहीं किया तो एक ऑप्शन में है जो आप मिसलीड कर सकते हैं आप लोग को। तो 15 आंसर नंबर 1, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ फोर्स ऑन रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 180 न्यूटन। ओके, हमारे पास एग्जॉस्ट वेलोसिटी कितनी दे रखी है, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड, और उस पर फोर्स कितना लग रहा है रॉकेट पर, दैट इज 180 न्यूटन। ठीक है, देन रेट ऑफ कंबंशन ऑफ फ्यूल विल बी, ओके, यदि 300 मीटर प्रति सेकेंड गैस निष्कासन वेग के एक रॉकेट पर 180 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो अपने को यह बताना है रॉकेट में ईंधन दहन की दर क्या होगी। ठीक है, ईंधन दहन की दर आंसर में अगर अपन देखें तो ईंधन दहन की दर आपको केजी पर सेकंड में बोल रखा है, यानी कि आपको बेसिकली मास किस रेट से कम हो रहा है ये बताना है, या रेट ऑफ मास कंबल्शन बताना है। तो हम जानते हैं एफ क्या होता है हमारे पास, दैट इज वी डीएम अपॉन डीटी। एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 180, वी की वैल्यू कितनी है अपने पास 300, और ये डीएम अपॉन डीटी की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये गया, ठीक है, और इधर अगर अपन देखेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 10, ये जाएगा मेरे पास 6, डी एम अपॉन डी टी जो रहेगा दैट विल बी 6 अपॉन 10, दैट इज 0.6 kg per second। तो अपना आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर रहेगा 2, 0.6 kg per second। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है इन एन एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अप विद एन एक्सेलरेशन जी। ठीक है, एक एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन है उसका जी, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द फ्लोर बाय द पैसेंजर ऑफ मास एम इज। ठीक है, तो एक एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कितने से एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। ये अपने पास एक, ये अपने पास आदमी है, इसका मास कितना अपने पास एम है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इस आदमी का वेट नीचे की तरफ, दैट इज एम जी। और अब जो ये एलिवेटर जी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसकी वजह से इस आदमी पर शूडो फोर्स की अगर अपन बात करें तो वो भी क्या रहेगा, एम जी, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बेसिकली ये कौन सा है, दैट इज शूडो फोर्स। और अगर अपन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, देन एन विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास एम जी प्लस एम जी 2 mg। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास रहेगा द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द फ्लोर बाय द पैसेंजर। तो फ्लोर ने आदमी पर नॉर्मल रिएक्शन इधर अप्लाई किया है, तो अगर अपन फ्लोर का एफबीडी बनाएंगे तो फ्लोर पर नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, नीचे रहेगा, एंड दिस एन विल बी सेम एज दिस 2 mg। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, आप ये ध्यान रखें अपने को क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो एलिवेटर है वो जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो अपने पास एक mg तो है ही है, एक शूडो फोर्स का कंपोनेंट और भी आ जाएगा, दैट विल बी mg, एडिशनल mg, तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 2 mg। तो 2 mg, 17th का आंसर रहेगा हमारे पास 4, दैट इज 2 mg। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकली अप, ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है इफ ए फोर्स f वेक्टर दैट इज 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप एक्सेलरेट्स ऑब्जेक्ट विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट विल बी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो एकदम बस ये बात है कि आप इसको कैसे समझते हैं,
यदि 6i cap माइनस 8j cap प्लस 10k cap का एक बल पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है तो पिंड का द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, अपन फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, अंडर रूट दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर जो रहेगा 8 स्क्वायर जो रहेगा वो खुद 10 स्क्वायर रहेगा प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 10 अंडर रूट 2। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 10 अंडर रूट 2 न्यूटन, और अपने को एक्सेलरेशन कितना दे रखा है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, देन एम विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्या हो जाएगा ए, ये बन गया मेरे पास 10 अंडर रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो मेरे पास 10 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा केजी, ठीक है। तो रिजल्ट रहेगा हमारे पास कितना 10 अंडर रूट 2 केजी, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज इन न्यूटन, 10 अंडर रूट 2 केजी विल बी द रिजल्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम कोलाइड्स विद अ बैट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी विद इन 0.01 सेकंड, द फोर्स एक्टेड बाय बैट ऑन द बॉल इज। 250 ग्राम की क्रिकेट की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई बैट से टकराती है तथा 0.01 सेकंड में पुनः समान चाल से लौटती है, बैट द्वारा गेंद पर आरोपित बल ज्ञात करो। तो चले वापस से, इंपल्स अप्लाई हुआ है तो हम क्या करेंगे दैट इज दिस, ये मेरे को बढ़िया लगता है, ये फॉर्मूला मेरा फेवरेट है, एफ डेल्टा टी दैट इज एम वी माइनस यू, और ये वेक्टर फॉर्म में भी वैलिड है तो अब अपन इसको वेक्टर फॉर्म में यूज करना देखेंगे कैसे इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं। ये रहा अपने पास बैट, एक बॉल जो है वो इधर की तरफ कितने से जा रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इधर गया स्ट्राइक करके सेम स्पीड से फिर से आ रहा है एंड दैट इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को फोर्स बताना है, तो फोर्स टाइम दैट इज 0.01 दैट इज इक्वल्स टू एम मास 250 ग्राम, 250 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी 250 अपॉन 1000 दैट इज 1/4 kg। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो दिस विल बी प्लस 10, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास वापस से माइनस 10 एंड वी विल बी हैविंग सिचुएशन दैट एफ, ये बन जाएगा मेरे पास एफ अपॉन 100 दैट विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1/4, इधर बन जाएगा 10 प्लस 10 और ये बन जाएगा 20, 20 को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मेरे पास चल जाएगा 5 बार, और अगर अपन फोर्स की बात करेंगे देन दिस फोर्स 100 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 500 न्यूटन। तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा दैट विल बी 500 न्यूटन। 19th का आंसर रहेगा हमारे पास 4। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, बुलेट का मास अपने को 20 ग्राम दे रखा है तो एम की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन अपने पास कितना हो जाएगा 1000, ये हो गया अपने पास केजी, ठीक है। मूविंग विद स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, वी अपने पास कितना हो गया है, और मूविंग विद स्पीड इनिशियल वेलोसिटी जो कितना हो गया है अपने पास 250 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। When it penetrates into the wood for the distance of 12 cm, तो distance अपने पास कितना हो गया है 12 × 10⁻²⁻ मीटर, सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 250 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली पर आरोपित औसत बल क्या होगा यदि यह लकड़ी में 12 सेंटीमीटर की दूरी तक धंस जाती है, तो अपने को यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अप्लाई करते हैं, अपने पास क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेन वुड इज गोइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितनी है 0 है, ठीक है। अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है तो, और डिस्टेंस अपने को दे रखा है, देन वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितना है दैट इज 250 का अपने पास हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बन जाएगा कितना 2a की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो a की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस कितनी अपने पास 12 × 10⁻² कितना है माइनस 2, ठीक है। और a चलो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 24 × 10⁻² कितना हो जाएगा 24 × 10⁻²⁻ a, ये चल रहा है माइनस में दैट विल बी इक्वल्स टू,
ये बन जाएगा अपने पास 25 इंटू 25, 625 इंटू 10 रेस टू पावर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। और अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 625 अपॉन, ये बन रहा है अपने पास 24, ठीक है, एंड ये माइनस 2 जो रहेगा इसको इधर भेजूंगा तो दिस विल बी 10 रेस टू पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ए दैट विल बी इक्वल टू, अब ए की वैल्यू यहां से अपने पास बन रही है, अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स के लिए भी चल लेते हैं अपन, फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए, तो फोर्स के लिए यहां पर वापस से फोर्स अपने पास एम कितना दे रखा है, दैट इज 20 अपॉन कितना हो गया ये 1000 इंटू 625 अपॉन कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 रेस टू पावर कितना हो गया 4, तो 1000 से एक तो ये चला गया और अपने पास कैलकुलेशन जो बचेगी वो बचेगी दिस कैलकुलेशन और फोर्स को अगर अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा दैट विल बी 5.2 इंटू 10 रेस टू पावर 3 न्यूटन। ये कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी है, इसका रिजल्ट जो बनेगा दैट विल बी 5.2 इंटू 10 रेस टू पावर 3, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है पर इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग व्हिच पुल्स द लिफ्ट अपवर्ड इज, एक 1000 द्रव्यमान की एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, ठीक है, लिफ्ट को ऊपर खींचने वाली डोरी में तनाव होगा, तो वी नीड टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो सिचुएशन ये है, ये अपने पास लिफ्ट है, इस पर ये अपने पास स्ट्रिंग है और इसका मास अपने पास लेस से एम है, ये अपने पास कितना है टी है, तो अपने को इस टी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, जबकि लिफ्ट जो है वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अगर इक्वेशन अगर अपन लिखते हैं तो टी माइनस हमारे पास क्या है mg, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, दैट विल बी mg, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास m इनटू a, या अगर मैं t की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा mg प्लस ma। क्वेश्चन में आपको g की वैल्यू जो 9.8 दे रखी है तो अपने को 9.8 यूज करना है, कोई भी नहीं है, तो यहां से हम लोग देखें दिस इज m, m को कॉमन ले लेता हूं, m कितना दे रखा है 1000 kg, दिस इज 1000, g की वैल्यू 9.8 प्लस a की वैल्यू अपने पास कितनी है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10.8 इंटू कितना हो जाएगा 1000, और ये बन जाएगा मेरे पास 10 एक और 8 0 0 10800 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज पुलिंग द लिफ्ट अप, लिफ्ट को ऊपर खींचने वाली डोरी में तनाव कितना रहेगा 10800 न्यूटन रहेगा, 10800 न्यूटन जो रहेगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा कितना, आंसर नंबर 3, ठीक है, आंसर नंबर 3। हाँ, आप ये ध्यान रखें अगर आप g की वैल्यू अगर 10 पुट कर देते तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा और 11 से 11000 भी ऑप्शन है, आपको g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 गिवन है तो आपको 9.8 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग को बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अलोंग ओई, ठीक है, तो एक डायरेक्शन ले लेते हैं, ये अपने पास डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज लेट्स से OE direction, ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना अपने पास 2 kg बोल रखा है एंड इट हैव वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OE, ठीक है, तो 4 न्यूटन का इस पर फोर्स अप्लाई किया है 2 kg के ऑब्जेक्ट पर, 4 न्यूटन का फोर्स दैट इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OE, ये हो गया अपने पास कितने का 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। The displacement of the body from a starting point after 4 second. तो इस object का displacement देखो perpendicular direction में है, तो ये object इस तरह से move करेगा parabolic path पर, इसका कुछ x direction में displacement रहेगा, that will be displacement in x direction as x, और इसका कुछ y direction में displacement रहेगा, that displacement will be equals to, ये इधर की तरफ जो displacement है, that will be sy, ठीक है, displacement in y direction. तो अपने को ये पूछना बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट एस वेक्टर क्या रहेगा या एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो चलते हैं एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पार्टिकल की सारी वेलोसिटी इनिशियली इस डायरेक्शन में है, दिस डायरेक्शन इज लेस से एक्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को अपन बोल देते हैं वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, अगर अपन देखें देन ux that is equals to
3 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन दैट इज 0 1. ठीक है, उसी तरह से वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू वाई की बात करूं तो पार्टिकल की सारी वेलोसिटी अलोंग ओई है. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना यू वाई दैट इज 0. और ए वाई की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स वाई डायरेक्शन में 4 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4/2 दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब आगे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एस एक्स जो रहेगा दैट विल बी यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, जिसमें ए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और टी कितना है अपने पास दैट इज 4 सेकेंड. तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 और 4 × 3 ये कितना बन जाएगा मेरे पास 12 मीटर. और अगर अपन इधर की बात करें तो इधर यू वाई 0 है तो एस वाई की वैल्यू में सीधा लिख सकता हूं दिस विल बी हाफ ए वाई इंटू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर. हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 और टी की अगर अपन बात करें तो टी कितना अपने पास 4 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 4 का स्क्वायर 16. तो अगर मेरे को एस वेक्टर रेफर करना है देन एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी 12 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा 16 j कैप, x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट प्लस y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, i कैप और j कैप में अगर अपने को इसके मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो डिस्प्लेसमेंट s विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 12 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 स्क्वायर. तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 4 कॉमन ले लेता हूं, 4 बाहर और ये बन जाएगा मेरे पास कितना अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5. तो 4 × 5 जो रिजल्ट बनेगा अपने पास 20 मीटर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 20 मीटर. तो प्रारंभिक बिंदु से जो सीधी दूरी रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास 20 मीटर हमारा रिजल्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा हमारे पास 20 मीटर. ठीक है, तो 20 मीटर अपना इसका रिजल्ट रहेगा. चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 ये बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. ठीक है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज. ठीक है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी. ठीक है, एक m द्रव्यमान का गुटका थीटा नति कोण की घर्षण रहित नत्तल पर रखा है. ठीक है, यह संपूर्ण निकाय क्षैतिज तय इस प्रकार त्वरित किया जाता है कि गुटका नत्तल पर पिसलता नहीं है. ठीक है, ओके, तो नत्तल द्वारा गुटके पर आरोपित बल होगा. एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं. हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक इंक्लाइन है हमारे पास और इंक्लाइन ये इस तरह से है और इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या नत्ति कोण जो अपने को दे रखा है वो कितना है थीटा है. ये स्मूथ है और इस पर हम लोगों ने क्या एक एम मास का ब्लॉक, ये अपने पास एक एम मास का ब्लॉक है जो इस पर रखा हुआ है. ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है. ठीक है, अपने को ये पूछा हुआ है दैट द फोर्स इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव और डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, यदि ये जो गुटका है ये नत तल पर नहीं फिसलता है. कहने का मतलब ये यही है, यानी कि इस पर सारे फोर्सेस क्या है बैलेंस्ड है विद रेस्पेक्ट टू वेज. इस वेज के रेस्पेक्ट में सारे फोर्सेस इस पर क्या रहेंगे बैलेंस रहेंगे. कहने का मतलब अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर अपन है तो यहां से अगर अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर देखो इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स जो एक रहेगा नॉर्मल फोर्स जो इधर रहेगा एक, इस पर और फोर्स दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा mg, और ये सिस्टम पूरी तरह से ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है. यानी कि मैं अगर इसके रेस्पेक्ट में इस पर बात कर रहा हूं तो इस पर शूडो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा ma. ठीक है, तो अपने पास फोर्सेस की कंडीशन ये हो गई है कि इधर अपने पास नॉर्मल फोर्स है और ये हो गया अपने पास mg और इधर रहेगा हमारे पास कौन ma. ठीक है, और सिचुएशन ये एंगल अपने पास कितना रहेगा थीटा रहेगा. ठीक है, अब अगर अपन देखें तो अपने को ये पूछा है दैट फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक या नत तल द्वारा गुटके पर आरोपित बल क्या होगा. ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताना है दैट इसकी वजह से इस पर क्या फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से इस पर क्या फोर्स लग रहा है दैट इज n इज इन दिस डायरेक्शन. तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब अगर अपन देखें तो n का इधर वाला कंपोनेंट ये कौन बनेगा मेरे पास n cos थीटा, और इस n का इधर वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा n sin थीटा. ठीक है, और अपने को कैलकुलेट करना है क्या फोर्स अप्लाइड बाय वेज ऑन द ब्लॉक या नत
तल द्वारा या वेज के द्वारा ब्लॉक पर आरोपित बल जो कि अपना एन है। तो यहां पर एन की अगर मैं देखूं तो एन ये हो सकता है एन कॉस थीटा, ये क्या रहेगा मेरे पास एम जी रहेगा। तो अगर मैं एन की बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास एम जी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आपको एन पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका रिजल्ट रहेगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा। या यहां पर अगर अपने को और बोलना है तो एन साइन थीटा, ये अपने पास क्या हो जाएगा एम ए के बराबर हो जाएगा, पर आपको ए क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहां से एन साइन थीटा एन विल बी इक्वल टू एम ए अपॉन साइन थीटा, बट एक्सेलरेशन की बात अपने को क्वेश्चन में करनी रखी है। तो हमारे पास 23 का आंसर जो रहेगा दैट इज एम जी अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी फोर्थ एम जी अपॉन कॉस थीटा, एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ए मैन ऑफ मास 80 kg इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच इज मूविंग एन अपवर्ड डायरेक्शन और मूविंग विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द अपेरेंट वेट ऑफ मैन विल बी। ठीक है, तो बात करते हैं 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील लिफ्ट में खड़ा है। तो हम लोग को ये बताना है कि व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। आभासी भार का मतलब ये है कि अगर अपने पास ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है और आदमी इसमें अपने पास अगर खड़ा हुआ है देन डब्ल्यू इफेक्टिव विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए। या यहाँ पर अगर अपन जी इफेक्टिव की बात करें तो लिफ्ट ऊपर जब जाती है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी प्लस ए हो जाएगा। तो डब्ल्यू इफेक्टिव की अगर अपन बात करें देन डब्ल्यू इफेक्टिव विल बी इक्वल टू एम कितना है 80 एंड जी दैट इज 10 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना दिस विल बी 16 इंटू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो 16 इंटू 80 जो रहेगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा दिस विल बी 160 माइनस 32। तो 160 माइनस 32 128, तो ये बन जाएगा 128 1280 न्यूटन। 1280 न्यूटन विल बी द 1280 न्यूटन विल बी द अपेरेंट वेट ऑफ मैन ऑब्जर्व बाय दैट मैन और इट इज ऑल्सो द फोर्स अप्लाइड बाई फ्लोर ऑन द मैन। ठीक है, ये लिफ्ट के तल द्वारा व्यक्ति पर आरोपित बल रहेगा या व्यक्ति द्वारा लिफ्ट के तल पर आरोपित बल रहेगा। 24 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 1280। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, ये रहेगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, विद वॉट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन ए फायरमैन स्लाइड डाउन ए रोप वाइल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप is 2/3 of his weight। अपने भार के 2/3 थ्रोटन सामर्थ्य की रस्सी पर एक व्यक्ति किस न्यूनतम त्वरण से नीचे उतरे कि रस्सी नहीं टूटे। ठीक है, तो आदमी जो है वो रस्सी से नीचे उतर रहा है, ये अपने पास है आदमी और ये आदमी जो है दैट इज कमिंग डाउन। ठीक है, आदमी जब नीचे आ रहा है आपको t जो बोल रखा है दैट इज 2/3 ऑफ वेट ऑफ मैन, लेट्स से मास ऑफ द मैन इज m, व्यक्ति का द्रव्यमान यदि m है तो अपने पास क्या हो जाएगा इसका भार क्या हो जाएगा mg। तो t की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3 ऑफ mg। ठीक है, अगर इक्वेशन अगर अपन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है a एक्सेलरेशन से आ रहा है तो कितना बन सकता है ये mg माइनस t दैट विल बी इक्वल्स टू ma और mg माइनस t की वैल्यू कितनी है दैट इज 2/3 ऑफ mg दैट इज इक्वल्स टू ma। तो ये बन जाएगा मेरे पास ma दैट इज इक्वल्स टू mg अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू g by 3 देन द एक्सेलरेशन ऑफ मैन विल बी g by 3। ठीक है, तो रस्सी के नहीं टूटने के लिए दिस शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन दैट इज g by 3। 25 का आंसर रहेगा अपना 3 दैट इज g by 3 विल बी द एक्सेलरेशन। चलते हैं 25 से अगले क्वेश्चन पर, 26 पर चलते हैं। 26 एन ऑब्जेक्ट हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट, P अपने पास कांस्टेंट है, P वेक्टर अगर अपने पास कांस्टेंट है मस्ट हैव ए कांस्टेंट नॉन जीरो। यदि एक पिंड का संवेग नियत है तो उसके लिए अशून्य नियत राशि कौन सी रहेगी। अगर अपन बात करें फोर्स के लिए तो फोर्स होता है हमारे पास dP अपॉन dt। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट है तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फोर्स अगर जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। P अगर कांस्टेंट है तो आपके पास एम वी वेक्टर क्या है कांस्टेंट है। एम वी वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब वी वेक्टर आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो पिंड के लिए अशून्य नियत नॉन जीरो कांस्टेंट जो रहेगा दैट विल बी इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड इट विल बी नॉन जीरो। 26वें का आंसर रहेगा 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन
27 पर, a block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface, ठीक है, of और by a rope of mass small m, ठीक है, if a force p is applied at the free end of the rope, the force exerted by rope on the block will be m द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर m द्रव्यमान की रस्सी small m द्रव्यमान की रस्सी द्वारा खींचा जा रहा है। यदि रस्सी की मुक्त सिरे पर p बल आरोपित किया गया हो तो रस्सी द्वारा गुटके पर आरोपित बल ज्ञात करो। ठीक है, तो चलते हैं, क्या सिचुएशन है, हमारे पास एक ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, ये हमारे पास एक रस्सी है एंड दिस इज ऑफ मास स्मॉल m, और एक फोर्स p जो है ये यहां पर अपन ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन की बात करूं तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा p अपॉन कैपिटल m प्लस हो जाएगा स्मॉल m। ठीक है, अब अपने को ये बोला हुआ है व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय रोप ऑन द ब्लॉक, रस्सी द्वारा गुटके पर आरोपित बल, तो ये अगर अपन मैं इसकी बात करूं तो इस ब्लॉक को, केवल इस ब्लॉक को देखें तो ये ब्लॉक भी किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, और इसको खींच कौन रहा है, रस्सी खींच रही है। तो अगर ये फोर्स मेरे पास कितना होता, एफ होता, तो मैं इस एफ के लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, एफ विल बी इक्वल टू ब्लॉक का मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम इंटू ए, तो एफ की अगर मैं बात करूंगा तो कैपिटल एम और ए की वैल्यू कितनी चल रही है अपने पास, पी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो अपने पास ये बन जाएगा एम कैपिटल एम पी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस विल बी द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक और ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग एक्शन रिएक्शन से। ठीक है, तो यह वह बल होगा जो रस्सी द्वारा गुटके पर आरोपित होगा, या इसको यूं भी बोल सकते हैं कि गुटके द्वारा रस्सी पर आरोपित रहेगा, पी एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये जो एम है ये कैपिटल एम है, तो ये रहेगा पी एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर आएगा हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 27 आंसर नंबर 3। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग को ये पूछा गया है दैट फॉर द सिस्टम शोन टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग पुली टू द सीलिंग विल बी, दर्शाए गए निकाय में गिरनी को छत से जोड़ने वाली डोरी में तनाव होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में अपने को टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग पुली टू द सीलिंग, इस पुली को सीलिंग से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसमें टेंशन की बात करूं, लेट अस कंसीडर द टेंशन इज T1, तो T1 के लिए अगर अपन देखें तो यहां पर इसमें टेंशन अगर T है, इसमें टेंशन अगर T है, इसमें टेंशन अगर पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, T रहेगा। तो अगर T1 की बात करें देन T1 विल बी इक्वल टू 2T, ठीक है, क्योंकि पुली आपकी इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रही है, तो इस पर लगने वाले दोनों फोर्स क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। ठीक है, तो T1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 2T के बराबर रहेगी। अब T की अगर अपन बात करते हैं तो T फिर से क्या रहेगा, यहां पर 2m1m2 अपॉन m1 + m2, इस सिस्टम के लिए तो अपन याद भी रख सकते हैं, इंटू कितना हो जाएगा G, जो बन जाएगा मेरे पास 2 × 10 इंटू कितना हो जाएगा ये 5 / 15 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू बनेगी मेरे पास 200/3। तो अगर अपन T1 की बात करें तो T1 जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, इसका डबल, ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 400/3 newton, 200/3 600, 400/3। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा 3, दैट इज 400/3 एंड इट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग पुली टू द सीलिंग। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 ये बोल रहा है दैट फोर्स टाइम कर्व ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर मोशन इज शोन इन फिगर। ठीक है, फोर्स टाइम कर्व अपने को दे रखा है, द मोमेंटम अक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 4 seconds, 0 से 4 सेकंड के बीच में, 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल कितना मोमेंटम एक्वायर करेगा उसके लिए बात करनी है। ठीक है, सरल रेखा में गतिशील किसी कण का बल समय वक्र अपने को चित्र में दर्शाया गया है और अपने को यह बताना है कि 0 से 4 सेकंड के मध्य कण द्वारा प्राप्त संवेग होगा। तो हम यहां पर देखें एफ क्या होता है हमारे पास, दैट इज dp/dt। ठीक है, या अगर मैं बात करूं तो dp विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, fdt, और चेंज इन मोमेंटम की अगर अपन बात करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन fdt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विल बी एरिया कवर्ड बाय एरिया ऑफ ft कर्व हो जाएगा। तो 0 से 4 के बीच में ft कर्व जो दे रखा है अपने को, वो कितना एरिया कवर कर रहा है उसको देखें, तो 0 से 4 के बीच में ये एरिया आपके पास क्या है, नेगेटिव है,
ये एरिया आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, एंड एलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज विल बी इक्वल्स टू जीरो। एलजेब्रिक सम, हमेशा इंटीग्रेशन जो होता है वो एलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है, यानी कि वो पॉजिटिव अपवर्ड एरिया को पॉजिटिव कंसिडर करता है और डाउनवर्ड एरिया को क्या, डाउनवर्ड मीन्स दिस डाउनवर्ड एरिया विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, तो इनका एलजेब्रिक सम जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास जीरो बन रहा है, तो हमारे पास मोमेंटम अक्वायर्ड या चेंज इन मोमेंटम जो रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर रहेगा हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर नंबर 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोल रहा है कि सिचुएशन ऐसी है, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक ए ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये अपन ने रखा है, इफ द ट्रक इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। ठीक है, ये ट्रक जो है ये कितने से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये दे रखा है, और अपने को ये बताना है कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए एन, एन जो रहेगा दैट एन विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी। ठीक है, ये कितने का है, 1, और जी की वैल्यू मैं बोलूँ तो अपने पास ये हो जाएगा 10 ले लेते हैं, और n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो रहेगा दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी प्रोड्यूस, सीमांत घर्षण, ये वह घर्षण होगा जो अधिकतम घर्षण जो उत्पन्न हो सकता है, ये क्या होगा, होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना रहेगा, 0.6 इंटू कितना हो जाएगा, 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 न्यूटन हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। पर लिमिटिंग फ्रिक्शन तब जनरेट होगा जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अपने को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इतना फ्रिक्शन जनरेट भी नहीं होगा। अपने को रिक्वायरमेंट कितनी है वो देखें, तो ये अपने पास कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो इस पर पीछे की तरफ शूडो फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास एम ए, और एम की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो अपने पास पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना अपने पास, 5 न्यूटन का। तो अगर अपन ब्लॉक के लिए एफबीडी की बात करें तो ब्लॉक पर विद रेस्पेक्ट टू ट्रक बात कर रहा हूं मैं, 5 न्यूटन का पीछे फोर्स है, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो जनरेट हो सकता है वो 6 न्यूटन है, पर इस 6 न्यूटन की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए, यहां पर ब्लॉक की मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, ब्लॉक इधर जाने की टेंडेंसी रखता है, तो इस पर फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये फ्रिक्शन उतना होगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम जनरेट हो सकता है, पर अपने को मैक्सिमम जनरेट नहीं करना है, अपने को ब्लॉक को रोकने के लिए, ब्लॉक पर पीछे कितना फोर्स लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन, और अपने को इसको रोकना है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो इस पर हमारे पास इधर जो है ऑटोमेटिकली 5 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा और ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट पर रहेगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास जो सिचुएशन रहेगी दैट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी 5 न्यूटन। 30 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी 1 एंड इट विल बी 5 न्यूटन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 इन क्वेश्चन 30, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी। अब देखते हैं अब वापस अगली सिचुएशन, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या-क्या चीजें आ चुकी है, हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बन रहा है दैट इज 6 न्यूटन, एन की वैल्यू जो बन रही है दैट इज 10 न्यूटन, और अब अपने पास जो एक्सेलरेशन ट्रक का जो एक्सेलरेशन हो चुका है वो कितना हो चुका है, ये ट्रक जो है वो कितने से जा रही है, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। ब्लॉक अपना ये रखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक के लिए अब शूडो फोर्स पीछे जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू ए, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7 न्यूटन का पीछे की तरफ फोर्स एक्ट करेगा। क्या बात समझ आ रही है, अब 7 न्यूटन पीछे की तरफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस करेगा, तो अपने पास यहां पर अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो 7 न्यूटन का फोर्स है, F दैट इज इक्वल्स टू एम ए दैट इज 7 न्यूटन, और ये जो है दैट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना है, 6 न्यूटन ही है, तो जो पीछे शूडो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन से ज्यादा है, इसका मतलब अब फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता, और ऑब्जेक्ट यहां से क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ऑब्जेक्ट जब मूव करने लग जाएगा बिकॉज
एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब इस पर फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा, दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो आपको सिस्टम में यहाँ पर डेटा जो दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपने पास, काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट जो है वो अपने पास 0.4 दे रखा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। और अगर अपन यहां पर बात करें तो ब्लॉक की सिचुएशन ये हो जाएगी कि ब्लॉक पर 7 न्यूटन का फोर्स इधर एक्ट करेगा, ब्लॉक का मास कितना है 1 kg है, और इस पर पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्योंकि ये फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया है, तो अब ब्लॉक यहां से चलने लग जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये कितना होता है, म्यू के इंटू कितना रहेगा एन, म्यू के की वैल्यू 0.4 आपको गिवन है और एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 10 है, तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 4 न्यूटन रहेगी। क्या बात समझ आ रही है? तो एक अगली इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जब आपके पास फोर्स जो है वो किससे ज्यादा हो चुका है, अपने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहां से मूव करेगा, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नाउ फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन, ठीक है, तो 4 न्यूटन अपने पास बनेगा इसका रिजल्ट, 31 का 4 न्यूटन, आंसर नंबर 4th, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर। इन क्वेश्चन 31, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 7 m/s² स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर व्हिच ब्लॉक विल फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रक। ओके, वापस बात करते हैं, अब अगली इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अपने पास अगली इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इस ट्रक के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो ब्लॉक पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इधर कितना है 7 न्यूटन, पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन, ब्लॉक का मास अपने पास कितना दे रखा है दैट इज 1 kg, और ये डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है दैट इज 24 मीटर, ठीक है। तो अपने को स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इजिकल्स टू कितना है 0 है, और इसको 24 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, और विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इसका एक्सेलरेशन जो रहेगा, अगर मैं ए ब्लॉक का जो है एक्सेलरेशन अगर ए बोल देता हूँ, दिस ए इज नॉट ऑफ ट्रक, ये एक्सेलरेशन अब इस ब्लॉक का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक अपन इक्वेशन लिखेंगे। अगर अपन इस फ्रेम में बैठे हुए हैं और शूडो फोर्स इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में लग रहा है, इधर की तरफ 7 न्यूटन, इधर की तरफ 4 न्यूटन, ब्लॉक का मास कितना है अपने पास 1 kg, इक्वेशन 7 - 4 दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा आपके पास ए, ए विल बी इक्वल टू 3 m/s², यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर 3 m/s² के एक्सेलरेशन से चलना शुरू करेगा, ठीक है, और इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 24 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो एस इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा यूटी प्लस 1/2 at² डिस्टेंस 24 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू विल बी 0 1/2 ए की वैल्यू कितना है 3 इंटू कितना हो जाएगा t², तो यहां से अगर अपन देखें तो इसको कैंसिल करता हूं 3 8 8 3 24 और t² की अगर मैं वैल्यू बोलूंगा दिस विल बी 8 t² की वैल्यू बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16 और t की वैल्यू अगर अपन बोलेंगे तो कितना बन जाएगा 4 सेकंड, तो एक बढ़िया क्वेश्चन अपने पास रिजल्ट रहेगा 32 का 4 सेकंड, 4 सेकंड में ब्लॉक जो रहेगा वो ट्रक से पीछे की तरफ नीचे गिर जाएगा, ठीक है, 4 सेकंड विल बी रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। डन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर जो बोल रहा है ए व्हीकल ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ मोमेंटम पी, ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड बी म्यू देन स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी, ठीक है। एक एम द्रव्यमान का एक वाहन खुरदरी क्षैतिज सतह पर पी संवेग से क्या कर रहा है गतिशील है, यदि सड़क तथा टायर के मध्य घर्षण गुणांक अपने पास कितना है म्यू हो तो ट्रक द्वारा विरामावस्था में आने से पूर्व चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं। अपने पास क्या है एक सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, ये अपने पास व्हीकल है और ये व्हीकल अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन रहता है वो क्या रहता है अपने पास दैट इज म्यू जी, ये फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास रिटार्डेशन रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और अगर अपने को अभी ये अगर वी वेलोसिटी से चल रहा है और आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है मींस वी नीड टू कैलकुलेट एस, ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं इक्वेशन बनाते हैं, हमारे पास क्या रहेगा वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2as, फाइनल वेलोसिटी अपने को करनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास मोमेंटम अपने पास पी है, इनिशियल वेलोसिटी को मैं वी ले रहा हूँ, मोमेंटम लेके आएंगे बाद में, प्लस
टू, एक्सेलरेशन जो रहेगा दैट विल बी माइनस म्यू जी फ्रिक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन या ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन रहेगा, और ये रहेगा अपने पास एस। तो अगर अपने को एस कैलकुलेट करना है तो टू म्यू जी एस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर। और अगर अपन यहां पर बात करें तो एस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, वी स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा, दैट इज टू म्यू जी। ये अपने पास ट्रेवल डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। बट अपने को ये नहीं पूछा है, अपने पास सिचुएशन ये है कि अपने को ये बताना है कि अपने को मोमेंटम इस इक्वेशन में लेके आना है। तो मोमेंटम, मोमेंटम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम स्क्वायर से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो ऊपर बन जाएगा आपके पास एम वी का होल स्क्वायर, जो बन जाएगा अपने पास पी स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा टू म्यू एम स्क्वायर जी। तो दिस विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, पी स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम स्क्वायर इंटू जी, पी स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम स्क्वायर, ऊपर पी स्क्वायर, ये नहीं पी स्क्वायर में ये पी स्क्वायर और नीचे एम स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अपना आंसर जो रहेगा दैट विल बी 4, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम स्क्वायर इंटू जी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो अपने पास है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन बोल रखा है कि अपने पास एक ब्लॉक है जो जिसका मास गिवन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दे रखा है दैट इज 0.2। व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इट्स एक्सेलरेशन विल बी, एम बराबर 5 kg द्रव्यमान का एक गुटका खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा है जहां पर घर्षण गुणांक का मान अपने पास कितना है 0.2 है, 40 न्यूटन का एक क्षैतिज बल गुटके पर आरोपित किया जाता है, तो गुटके का त्वरण क्या रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, डायग्राम अगर अपन बनाए तो सिस्टम क्या बोल रहा है अपने पास, ये है इधर, ठीक है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 0.2, मास जो दे रखा है दैट इज 5 kg, और इस पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो लग रहा है वो 40 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो पीछे अगर मैं बात करूंगा तो पीछे फ्रिक्शन एक्ट करेगा और फ्रिक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, म्यू एम जी, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, दैट इज 0.2 mg, 5 × 10 ये हो जाएगा 50, या अगर अपन इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, 10 न्यूटन डन। तो अब इसका एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो दिस 40 न्यूटन इज ग्रेटर देन दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक तरह से ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन अगर अपन देखेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास 40 - 10 अपॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 5, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास 30/5 एंड इट विल बी 6 m/s². तो 34 क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास 6 m/s², ऑप्शन नंबर हमारे पास जो रहेगा दैट विल बी 1, ऑप्शन नंबर 1 6 m/s², ठीक है। तो 34 के लिए रिजल्ट ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन 35 पर चलेंगे, ठीक है, 35 पर मूव करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन एन आइडेंटिकल 45 डिग्री इंक्लाइन विद एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ओके, वेरी गुड। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन प्लेन इज, विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए एक वस्तु 45 डिग्री के खुरदरे नत्तल पर फिसलने में समान 45 डिग्री के चिकने नत्तल पर फिसल पर पहुंचने में लिए गए समय का दुगुना समय लेती है, ठीक है। तो वस्तु तथा नत्तल के मध्य घर्षण गुणांक होगा, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो हमारे पास सिचुएशन बोलें तो ये बन जाएगा सिचुएशन, देखो हमारे पास एक स्मूथ इंक्लाइन अगर होता है तो स्मूथ इंक्लाइन पर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन रहता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना रहेगा, दैट विल बी जी साइन थीटा, और इतना डिस्टेंस अपने को चलना है। अभी अपने पास क्या है, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ऑब्जेक्ट को एस डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो एस के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू की वैल्यू अपने पास क्या है, 0 है, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 जी साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर अपने पास एक रफ इंक्लाइन होता है तो रफ इंक्लाइन पर हमारे पास ये सिचुएशन, ये रफ इंक्लाइन हो गया, ऑब्जेक्ट को जब अपन लेके आ रहे हैं तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो रहेगा दैट विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन रहेगा। डिस्टेंस अपने को सेम चलनी है, आइडेंटिकल अपने पास इंक्लाइन है तो अपने को एस डिस्टेंस से ट्रेवल करनी है। तो इधर एस के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इधर का टाइम लेस से t1 हो तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1/2, ये सारी इक्वेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा अपना t1 का स्क्वायर।
क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इधर जो टाइम लग रहा है दैट इज ट्वाइस ऑफ द टाइम इन दिस साइड, यानी कि टी वन की वैल्यू अपने पास क्या है, टी वन जो है दैट इज टू टी है. डिस्टेंस अपने को ये सेम इक्वल ट्रेवल करनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं. दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एस, उधर से क्या रहेगा, हाफ जी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा मेरे पास जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी वन की वैल्यू कितनी है, टू टी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं टू टी का होल स्क्वायर जो बन जाएगा मेरे पास फोर टी स्क्वायर. ठीक है, इधर से हाफ कैंसिल, ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, जी से ये वाला जी से ये वाला जी कैंसिल, और इक्वेशन अपने पास बन रही है कितनी, साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू, इधर बन रहा है अपने पास कौन, फोर टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, और अपने को अगर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक बार मैं इसको वैसे इसे सीधा भी लिख सकता हूँ, जनरल एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू फोर साइन थीटा माइनस फोर फोर म्यू कॉस थीटा, इसको इधर फोर म्यू कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, थ्री साइन थीटा, और अगर अपन म्यू की बात करें तो म्यू का जनरल एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा थ्री बाई फोर इज ऑफ टेन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, थ्री बाई ये थ्री बाई फोर आ जाएगा, थ्री बाई टू थ्री बाई फोर टेन थीटा आ जाएगा. अब थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, दैट इज 45 डिग्री, तो टेन 45 की वैल्यू वन हो जाएगी और म्यू का वैल्यू बन जाएगा हमारे पास कितना, थ्री बाई फोर, और दिस विल बी 0.75. तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा हमारा 0.75. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा हमारे पास 0.75. ठीक है, 3/4 और 0.75 एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखें आप. ठीक, तो डिस्टेंस का कंपैरिजन किया, एक्सेलरेशंस के लिए वैल्यूज पुट करी और अपन ने इसको सॉल्व किया, म्यू विल बी इक्वल टू जनरल एक्सप्रेशन 3/4 10 थीटा. यहां पर अगर n टाइम्स या n टाइम्स बोला हुआ हो, अगर आपको डबल टाइम नहीं बोला और n टाइम देखा हो, तो आप इसको n से यहां पर जनरल वैल्यू पुट करके इसको आप जनरल एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं. ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर. 35 से अब चलेंगे 36 ये बोल रहा है हम लोग को कि इन द सिस्टम शोन इन फिगर ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 24 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 5 केजी ब्लॉक. ठीक है, ये 5 केजी पर अपने को ऐसे फोर्स अप्लाई करना है, द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी. ठीक है, तो इधर इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स जो रहेगा उसकी अगर अपन बात करें, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर एन फोर्स अप्लाई करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस पर एन फोर्स अप्लाई करेगा, और ये एन की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले अगर इस फोर्स की बात करें तो ये इस सिस्टम को एक्सेलरेट करेगा, ए एक्सेलरेशन से आपके पास एक्सेलरेशन ए की बात करें तो 24 न्यूटन फोर्स है और सम ऑफ मासेस कितना अपने पास, दैट इज 8, तो सिस्टम जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा. क्या बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया सिस्टम का एक्सेलरेशन. अब अगर अपन 3 केजी वाले का ब्लॉक डायग्राम बनाए तो 3 केजी वाले पर कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है और इस 3 केजी वाले को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे एन विल बी इक्वल टू एम ए एम इंटू ए, तो एन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इस ऑब्जेक्ट का मास है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 न्यूटन. तो कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी वॉट, दैट इज 9 न्यूटन. अगर अपन 9 न्यूटन की बात करें तो अपने पास 36 का जो आंसर आ जाएगा, दैट 36 आंसर ऑफ 36 क्वेश्चन विल बी 9 न्यूटन. ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है अपने पास, ये ब्लॉक था कितने वाला ब्लॉक है, ये 5 केजी का ब्लॉक है और ये अपने पास कितने का है, 3 केजी का ब्लॉक है. ठीक है, तो 9 न्यूटन इसका आंसर आएगा 36 क्वेश्चन का. चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 37 पर. 37 ये बोल रहा है, इन क्वेश्चन 36 इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 24 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 केजी ब्लॉक. तो इसी क्वेश्चन में अब ये बात चल रही है अपने पास जो इस तरह से है कि हम लोगों ने 3 न्यूटन का जो 3 केजी के ब्लॉक पर 24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि अब गिरा और इधर अपने पास गिरा ब्लॉक और अब अपन ने फोर्स इधर से अप्लाई किया है, तो सिस्टम अपने पास वही वापस क्वेश्चन रिपीट करेंगे. ये अपने पास क्या है, 5, इधर अपने पास है कौन, 3, फोर्स इधर से अप्लाई किया है कितने से, 24 से, तो एक्सेलरेशन रहेगा ए इधर की तरफ, एंड दिस ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, अगर अपन उस नॉर्मल फोर्स की बात करें तो ये नॉर्मल फोर्स जो है ये इस पांच को कितने से ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, दैट इज बाई दैट एक्सेलरेशन ए। तो यहां पर एन के लिए बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, एन पांच केजी वाले का एफबीडी बनाते हैं, पांच केजी वाले का एफबीडी में नॉर्मल फोर्स इस पर ऐसे रहेगा और इस पर ये ए एक्सेलरेशन से उधर मूव कर रहा है, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, थ्री है। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर बात करें तो ये बन जाएगा मेरे पास एन इजिकल्स टू कितना हो जाएगा एम ए, और एन विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा फाइव इंटू अपने पास ए की वैल्यू कितनी है थ्री, तो ये हो जाएगा पंद्रह न्यूटन। एन विल बी इक्वल टू और द कॉन्टेक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी 15 न्यूटन। तो अगला क्वेश्चन जो है इसके 37 का आंसर रहेगा, 15 न्यूटन विल बी द आंसर, द कॉन्टेक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 37 के बाद अपने पास रहेगा 38। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट्स वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट अदर एंड। ठीक है, एक प्लैंक है जिसके एक एंड पर अपन ने क्या रख रखा है, एक बॉक्स रखा हुआ है और उसके उसको अपन ने दूसरे एंड के अबाउट कैसे किया है, ऐसे राइज किया है। एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रीचेज 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री पर पहुंचता है द ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लिप। ठीक है, अपने पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री पर पहुंच के और ब्लॉक इस टाइम पर क्या हो रहा है, स्लिप होना शुरू हो रहा है। एंड इट स्लाइड्स 4 मीटर डाउन ऑन द प्लाइन इन प्लैंक इन 4 सेकंड। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। ठीक है, एक प्लैंक जिसके एक सिरे पर एक बक्सा रखा हुआ है, दूसरे सिरे के सापेक्ष चित्रानुसार धीरे-धीरे उठाया जा रहा है, तो जब 30 डिग्री कोण होता है तो बक्सा फिसलना प्रारंभ करता है, पॉइंट नंबर 1। और 4 सेकंड में प्लैंक पर 4 मीटर की दूरी तय करता है, तो अपने को स्थैतिक और गतिक घर्षण गुणांकों का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए अगर अपन देखें तो एक चीज अपन जानते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट फिसलना शुरू होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करता है, और म्यू होता है अपने पास टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू टेन अपने पास बन जाएगा ये कितना 30। तो टेन 30 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी दिस, ये बन जाएगा मेरे पास 1/√3, और 1/√3 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 0.58। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, तो आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बनेगा दैट विल बी 0.58। चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में अपने पास 0.58 बन रहा है। अब अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो ये ब्लॉक जब यहां पर मूव करके आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर अपन चलते हैं तो s इक्वल्स टू वापस से ut + 1/2 at² जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि यहाँ से स्लाइड करना शुरू कर रहा है, और अगर अपन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होना है अपना 4 अगर 1/2, और यहाँ पर बात करूँ मैं तो इसका एक्सेलरेशन जो रहेगा दैट इज जी साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा, और ये जो म्यू रहेगा वो कौन रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गतिक घर्षण गुणांक रहेगा, और टाइम जो लग रहा है अपने को कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, थीटा अपन कितने कितनी स्टेट पर ये हो रहा है, 30 डिग्री की स्टेट पर ये यहाँ से क्या कर रहा है, स्लाइड करना शुरू कर रहा है। तो 30 डिग्री एंगल पर एक थोड़ा सा इंपल्स एक्ट किया जिससे वो चलना शुरू हो गया, और चलने के बाद उसकी स्टेट ये है कि वो इस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 0.9/√3 आएगा इक्वेशन, आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट ये बनेगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद, और इसका रिजल्ट बनता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो बनेगा दैट विल बी 0.52। ठीक है, इधर 1/√3 बन रहा है, इधर बनेगा 0.9/√3, और इसकी जो रिजल्ट बनेगी दैट विल बी 0.52। तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो रहेगा दैट विल बी 0.52। आप इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करें तो ये रिजल्ट हमारा बनेगा, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2। आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, वैसे हमेशा वैसे तो अपन देख सकते हैं कि आपको एक आंसर पता चल गया है और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से ज्यादा ही रहेगा, तो उसकी ये आपका सेकंड ऑप्शन वैसे भी करेक्ट हो जाएगा। तो 38 का आंसर नंबर रहेगा हमारे पास 2। डन, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। A man is standing at the center of frictionless pond of ice. How can get him to himself to the shore? देखिए, एक व्यक्ति घर्षण रहित बर्फ के तालाब के मध्य में खड़ा हुआ है, वह किनारे पर किस प्रकार से पहुंच सकता है? आपको मोबाइल फेंक देना चाहिए, ठीक है, और मोबाइल किधर फेंकना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंकना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट इज बाई थ्रोइंग इस मोबाइल वर्टिकली, अगर फेंकेंगे तो वर्टिकली उस पर इंपल्स एक्ट नहीं करेगा,
तो उसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकता, या इम्पल्स जो एक्ट करेगा वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो इस तरह से मूव नहीं कर सकता। अगर वो अपने मोबाइल को हॉरिजेंटली थ्रो करे तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो वो जिधर मोबाइल थ्रो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वो इजीली वो मूव करता रहेगा, बहुत बहुत स्लोली मूव करेगा, बट वो धीरे 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 मूव करता हुआ किनारे पर पहुंच जाएगा। इट विल ही विल रीच टू द श्योर, ठीक है। तो ही कैन नॉट वॉक इजीली ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, हमारे वॉक करने के लिए फ्रिक्शन ही रेस्पॉन्सिबल होता है, और देर इज अ वे, क्या करे वो, इसका मोबाइल अपना मोबाइल फेंक दे। तो 39 का आंसर अपना क्या रहेगा, आंसर नंबर 2, ठीक है, 39। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 40। क्वेश्चन नंबर 40, ए ब्लॉक ऑफ मास इज इन कॉन्टेक्ट विद कार्ड सी एज शोन इन फिगर, ठीक है। अपने पास ये मामला चल रहा है, ये ब्लॉक ऑफ मास एम है, ये कार्ट है, ये ए एक्सेलरेशन से जा रही है और वो इसके कांटेक्ट में है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, ठीक है। द एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग विल बी, ठीक है। एम द्रव्यमान का एक गुटका चित्रानुसार गाड़ी के संपर्क में है, यदि घर्षण गुणांक अपने पास म्यू हो तो वह गाड़ी का त्वरण क्या होगा जब ये जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिरे, ठीक है। तो सिस्टम बनाते हैं, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस कार्ट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहना चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो एक्ट करेंगे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर नॉर्मल रिएक्शन, ए एक्सेलरेशन से कार्ट जा रही है और अपन इस फ्रेम में बैठे हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठे हैं, तो नॉन इनिशियल फ्रेम से अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास इस पर शूडो फोर्स एक्ट करेगा, वो पीछे की तरफ रहेगा, दैट विल बी एम ए। ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या एक्ट करेगा, दैट इज एम जी, और इस ऑब्जेक्ट की गिरने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो इस पर फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन जो रहेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। हम लोग अगर देखेंगे ये अगर यहां पर नहीं गिरे, या इफ दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल डाउन, इसका मतलब इसका जो वेट है वो यहां पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या यहां पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है दैट शुड बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। ये आदमी के वेट से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा तभी जाके ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पर होल्ड रख सकता है, अगर वेट ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। अब वापस से लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे पास म्यू एन दैट शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, हमारे पास एम जी, और अगर अपन एन की बात करें तो एन इस इक्विलिब्रियम के लिए एन विल बी इक्वल्स टू एम ए, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस विल बी म्यू, एन की वैल्यू हो जाएगी एम ए, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी। एम से अपना एम कैंसिल और ए की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी बाई म्यू। तो ए जो रहना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी बाई म्यू, इधर एम जी बाई म्यू नहीं होगा, ठीक है। इधर वापस अगर अपन बात करें तो ये जी बाई म्यू एम ये भी नहीं है, और ए शुड बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू। तो 40 का आंसर नंबर रहेगा हमारे पास 3। एक बढ़िया क्वेश्चन है, दैट दिस एक्सेलरेशन, इफ दिस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पर वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेशनरी रह सकता है, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 41 के लिए। मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 केजी व्हेन टेंशन इन सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन इट्स एक्सेलरेशन इज। हम लोग को ये बोला हुआ है कि लिफ्ट का द्रव्यमान जो है वो अपने पास कितना है, 2000 केजी है, और 2000 केजी है उससे बंधी रस्सी में तनाव अपने को इतना दे रखा है तो लिफ्ट का त्वरण होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देते हैं। कंसिडरिंग दैट लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ और इधर मेरे पास टेंशन टी ऐसे है, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, एम जी रहेगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। लिखते हैं टी माइनस अपने पास क्या हो जाएगा, एम जी, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना एम ए। टी की वैल्यू अपने पास कितनी है, दैट इज 28,000, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा मेरे पास एम जी, तो 2000 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2000 इंटू कितना हो जाएगा ए, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 8,000, और ये हो जाएगा मेरे पास 2000 ए, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 m/s², और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि अपन ने जो डायरेक्शन कंसिडर करी है वो डायरेक्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 4 m/s², 4 m/s² डाउनवर्ड नहीं, 4 m/s² किधर रहेगा अपने पास, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, 4 m/s² अपवर्ड।
तो 41 का आंसर नंबर रहेगा 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 42 ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हेन पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। m द्रव्यमान का एक कण v वेग से क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। जब कण पुनः पृथ्वी पर टकराता है तो उसके संवेग में परिवर्तन का परिमाण होगा, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है तो प्रोजेक्टाइल के लिए अपन देखें क्या है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को या एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर 45 डिग्री पर या थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है वी वेलोसिटी से, तो इसके वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा तुम्हारे पास, वी कॉस थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट बनेगा वी साइन थीटा, ठीक है। जब ये प्रोजेक्टाइल वापस आके गिर रहा है यहां पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो v cos थीटा ही बना रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो v sin थीटा आपका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर अपन मोमेंटम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, दैट इज mv cos थीटा, वर्टिकल mv sin थीटा, इधर mv cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा mv sin थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्टिकल मोमेंटम पहले इधर था और अब इधर हो चुका है, तो चेंज इन मोमेंटम अपने पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2mv sin क्या हो जाएगा अपना थीटा, ठीक है। 2mv, और अगर अपन बात करें तो sin थीटा, sin एंगल कितना है 45, तो दिस विल बी 1/√2, तो ये बनेगा अपने पास √2, ठीक है। तो √2mv अपने पास क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्टाइल फिर से आ रहा है, तो √2mv। 42 का आंसर नंबर अपने पास कितना रहेगा, दैट विल बी 3, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ 1 kg/s, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी। ओके, एक कन्वेयर बेल्ट पर हमारे पास m kg पर सेकंड की रेट से सैंड गिर रहा है और v वेलोसिटी से अपन उसको कांस्टेंट मूव करवाना चाहते हैं, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। यहां पर हम सीधा चलेंगे, अपने पास क्या रहता है f, दैट इज इक्वल्स टू v dm अपॉन क्या रहेगा dt। v से अपने को ऑब्जेक्ट को चलाना है और उस पर जो ऑब्जेक्ट रेट ऑफ मास चेंज, तो आप यहां पर ये यूनिट देखेंगे एंड दिस यूनिट इज व्हाट, केजी पर सेकंड, ठीक है। कहने का मतलब आपको ये dm अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, दिस इज m मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एम वी हो जाएगी। दिखने में आपको मोमेंटम लग रहा है बट दिस इज नॉट मोमेंटम, ये मास पर यूनिट, रेट ऑफ मास कमिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, दिस इज एम वी, तो फोर्स कितना चाहिएगा अपने को, एम वी न्यूटन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अपना रहेगा नेक्स्ट 44 ए रिजिड बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स ऑन अ रिजिड वॉल at angle 60 degree and it get reflected without loss of speed as shown in figure, ठीक है। The magnitude of impulse imparted by the wall on the ball will be। एक m द्रव्यमान की एक दृढ़ गेंद एक दृढ़ दीवार से चित्रानुसार 60 डिग्री के कोण पर टकराती है तथा बिना चाल में हानि के परिवर्तित हो जाती है, दीवार द्वारा गेंद पर आरोपित बल क्या होगा, बल या आवेग, सॉरी आवेग पूछा हुआ है, आवेग का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चले, अपने को इंपल्स पूछा हुआ है और इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन। तो इस कण के संवेग के बारे में बात करते हैं, ये कोण मेरे पास अगर थीटा है तो यहां से ये बन रहा है जेड, तो ये कितना रहेगा थीटा, तो यहां पर इसका इधर कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट क्या रहेगा एम वी साइन थीटा। वापिस अगर अपन बात करते हैं तो ये भी एंगल अपने पास वापिस से थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा थीटा। इधर इधर का कंपोनेंट अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट जो बनेगा इस मोमेंटम का ये बनेगा एम वी साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा दोनों केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन जो अपने को दिख रही है उसमें आपके पास मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हुआ है, इधर एम वी कॉस थीटा ऐसे है पहले और बाद में एम वी कॉस थीटा ऐसे है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम अपने पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2mv cos थीटा। 2mv अपने पास cos कितना है 60, cos 60 sin 30 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट जो रहेगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम एंड दिस विल बी इंपल्स i, दैट विल बी इक्वल्स टू mv। तो ऑब्जेक्ट पर जो मोमेंटम लगेगा या बॉल पर जो
इंपल्स लगेगा, वो इंपल्स कितना हो जाएगा हमारे पास mv। 44 का आंसर नंबर रहेगा हमारे पास 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 44 आंसर नंबर 1। 45। थ्री ब्लॉक्स ऑफ मास m, 2m एंड 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स as shown. After an upward force F is applied on a block of mass M, masses move upward with constant acceleration G. What is the net force on the block of mass 2M? Okay. M, 2M तथा 3M द्रव्यमान की गुट के चित्रानुसार डोरी द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है? M द्रव्यमान के पिंड पर जब एक बल F आरोपित होता है, तो निकाय नियत त्वरण G से ऊपर की तरफ गति करता है, ठीक है? 2M द्रव्यमान के पिंड पर परिणामी बल क्या होगा? ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है और मास कितना है 2m। तो नेट फोर्स क्या होगा, F नेट दैट इज इक्वल्स टू 2m का मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। और आपको ये बोला हुआ है कि सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ g एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो नेट जो फोर्स रहेगा, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसमें इधर उधर फोर्स जो भी लग रहे हैं, इस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो इसको g एक्सेलरेशन से चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और ये 2m मास हो गया हमारे पास और इसका एक्सेलरेशन कितना है, g इज एन f वाई डायरेक्शन, तो हमारे पास f नेट जो रहेगा दैट विल बी 2mg। एक सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन g है और ऑब्जेक्ट का मास 2m है, तो इस पर नेट फोर्स दैट विल बी 2mg। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 2mg। हाँ, यहां पर इन स्ट्रिंग्स में टेंशन अलग अलग रहेगा, वो आप इक्वेशंस बना सकते हैं इसकी, उसमें कोई वो इशू नहीं है। अगर आप इसकी टेंशन बनाना चाहते हैं टी, तो ये इसको जी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ले जा रहा है, नीचे की तरफ क्या होगा 3mg, तो t1 माइनस 3mg विल बी इक्वल टू 3m इनटू कितना हो जाएगा g, तो ये t1 की वैल्यू हो जाएगी। वापस से अगर मैं t2 की बात करूं, तो t2 माइनस नीचे की तरफ t1, नीचे की तरफ 2mg, तो इसकी इक्वेशन अगर अपन बनाएंगे तो ये t2 माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास t1 प्लस 2mg, T1 plus 2mg, that will be equal to कितना हो जाएगा? 2m into कितना हो जाएगा? G acceleration ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो इस equation को solve करके आप यहाँ पर tensions भी calculate कर सकते हैं। एक बढ़िया question, 2mg will be the net force acting on this object, which will be responsible for taking this object by with G acceleration upward। चलते हैं अपन question number 46 पर। The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph as shown in figure. The change in momentum of the particle over the time interval 0 to 6 seconds will be. Okay. एक m द्रव्यमान के कण पर आरोपित F बल चित्रानुसार बल समय वक्र में प्रदर्शित किया गया है। 0 से 6 सेकंड के मध्य के समय अंतराल में कण पर आरोपित अपने को क्या करना है, कण के संवेग में परिवर्तन अपने को देखना है। तो वापस से हम बात करते हैं, डेल्टा पी या चेंज इन मोमेंटम जो रहता है, दैट इज एरिया ऑफ एफ टी कर्व, ठीक है? तो ये अपने पास एफ टी कर्व दे रखा है और इसका एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, बट टाइम इंटरवल कौन सा है अपने पास, 0 to 6। 0 to 6 का मतलब ये यहीं तक अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, एरिया अंडर द कर्व। और इंटीग्रेशन जो रहता है वो हमेशा एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है, पॉजिटिव एरिया इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया इज नेगेटिव। यहां पर इसके एरिया की बात करता हूं, तो दिस एरिया ये -3 है, ये बेस कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 2, दिस इज -3, तो ये एरिया जो हो जाएगा दिस विल बी -6, ठीक है? 2 इंटू -3, वापस से दिस इज 4 and 6, ये हो जाएगा 2, इधर अपने पास कितना है, ये मेरे पास कितना है, दिस इज 3, तो 2 इंटू 3 जो हो जाएगा वो मेरे पास वापस से कितना हो जाएगा 6, बट इट विल बी प्लस। और इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया हाफ, बेस कितना अपने पास 2 इंटू हाइट कितनी अपने पास कितना है 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर अपन चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो ये एरिया प्लस का 6, ये एरिया माइनस का 6, और ये एरिया आपके पास क्या रहेगा, प्लस का 6, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से आपके पास रिजल्टेंट जो रहेगा दैट विल बी 6 newton second, चेंज इन मोमेंटम दैट इज इन न्यूटन सेकेंड। रिजल्ट जो आएगा 46 का वो कितना आएगा अपने पास 6 newton second। एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी कर्व विल बी चेंज इन मोमेंटम, 6 newton second इसका अपना रिजल्ट बनेगा अप टू टाइम 6 seconds, देन 6 newton second। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 47 क्या बोल रहा है, 47 ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास ए ब्लॉक बी इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी वी, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0, टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल कम टू रेस्ट,
ठीक है। चित्र अनुसार एक गुटका बी जो है वो टी बराबर जीरो समय पर एक क्षैतिज खुरदरी सतह पर वी वेग से गतिशील है। प्रारंभिक वेग आपके पास कितना हो चुका है? वी हो चुका है। वह समय जिसके पश्चात गुटका विरामावस्था में आ जाएगा होगा, ठीक है। म्यू अपने पास फ्रिक्शन कॉफिशियंट है, तो पीछे की तरफ जो रिटार्डेशन रहना है वो क्या रह जाएगा हमारे पास? माइनस म्यू जी। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितनी हो गई? वी। और अपने को टाइम कैलकुलेट करना है, तो वी इजिकल्स टू यू प्लस ए टी चलाते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस म्यू जी, और टी अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो टी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? वी अपॉन म्यू जी। वी अपॉन म्यू जी विल बी द आंसर। तो वी अपॉन म्यू जी, V upon mu G, 47 का आंसर बन रहा है V upon mu G, आंसर नंबर क्या रहेगा मेरे पास? 1, ठीक है। तो सिंपल mu G upon V, ठीक है। देखो V upon अपने पास G upon V, V upon G, हमारे पास रिजल्ट जो बन रहा है दैट इज V upon mu G। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर नंबर आंसर विल बी 1, 47 का 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 48। A particle is moving with velocity v is acted by three forces as shown in vector triangle PQR. Okay, the velocity of the particle will be v वेग से गतिशील एक कण पर सदिश त्रिभुज PQR के अनुसार तीन बल कार्य करते हैं, तो कण का वेग क्या होगा? देखें, तो देखें क्या चल रहा है। PQR वेक्टर ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, ये है अपने पास PQ वेक्टर, फिर अपने पास QR वेक्टर है, और ये अपने पास क्या है? R P वेक्टर है। इस वेक्टर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये तो सेम ऑर्डर में चेंज होने वाली ट्रायंगल की तीन साइड्स हो गई, यानी कि इन सब का रिजल्टेंट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो हो जाएगा। F नेट वेक्टर अपने जीरो हो गया, तो अपने पास A वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। A वेक्टर जीरो हो गया, तो अपना V वेक्टर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कण का वेग नियत बना रहेगा, V विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो 48 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 49। A uniform row of length L lies on a table if coefficient of friction is mu. A uniform row of length L lies on a table if coefficient of friction is mu. Then the maximum length of row which can overhang from the edge of the table so that rope does not slide down. L लंबाई की एक समान रस्सी टेबल पर रखी है, यदि घर्षण गुणांक mu हो तो रस्सी की वह अधिकतम लंबाई क्या होगी? रस्सी की वह अधिकतम लंबाई क्या होगी जो टेबल के एक सिरे से लटकने पर भी रस्सी नीचे नहीं फिसले? ठीक है, तो चलते हैं। सिचुएशन ये है, ये अपने पास रह गई टेबल, और यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम है जिसमें अपने पास ये एक रस्सी बोल देते हैं, चेन बोल देते हैं, ये इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। लेट अस कंसिडर, ये आपके पास वो लेंथ है, एक्स लेंथ है जो हैंगिंग स्टेट में है। इस एक्स की वैल्यू अपने को क्या करनी है? पता करनी है, ठीक है। x का मास अगर मैं m1 बोल देता हूं, एक तो ये, एक m2 मास में यहां पर बोल देता हूं, तो ये लेंथ अपने को पता करना है। और लेंथ टोटल आपको कितनी दे रखी है? स्मॉल l दे रखी है, तो यहां वाली जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? l माइनस x हो जाएगी। दिस लेंथ विल बी l माइनस x, ठीक है। और मास टोटल रोप का मैं लेट्स से m मास कंसिडर कर लेता हूं, तो पूरी चेन का जो मास है अपने पास कितना हो जाएगा? m। मैक्सिमम स्टेट ये रहेगी कि आगे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस चेन को आगे खींचेगा, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन रहेगा वो फ्रिक्शन इसको पीछे रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा? m1g, ये इधर की तरफ। तो एक्सट्रीम केस में ये दोनों जब बराबर होंगे तब तक चेन जो है वो होल्ड पर रह सकती है, उससे आगे अगर सिचुएशन हुई तो वो क्या हो सकता है? वो चेन स्लाइड करना शुरू कर देगी। तो हमारे पास जो सिचुएशन एक्सट्रीम केस में, हमारे पास m1g की वैल्यू जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? पीछे फ्रिक्शन के बराबर रहेगी, या पीछे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो रहेगा उसके बराबर रहेगी। और m1g दैट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास कितना? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू m2g। यहाँ पर जो फ्रिक्शन रहेगा वो केवल इस सेक्शन के नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करेगा, और इसका नॉर्मल फोर्स जो रहेगा दैट विल बी m2g। ठीक है, g से g कैंसिल, अगर अपन बात करें तो m1 दैट इज इक्वल्स टू म्यू m2। अब अगर अपन बात करें तो मास, अपने पास यूनिफॉर्म रोप है, यानी कि अगर अपन देखें तो L लेंथ की रोप के लिए मास अपने पास कितना है? ये अपने पास है L, तो इधर M1, इसकी लेंथ कितनी है? X है। इसकी लेंथ कितनी है? L माइनस X है। तो अगर अपन यहाँ पर X लेंथ के लिए मास की बात करें तो L लेंथ का मास कितना है अपने पास? M, तो यूनिट के लिए हो जाएगा M अपॉन L, तो X के लिए हो जाएगा हमारे पास M अपॉन L इंटू कितना हो जाएगा? X।
तो वैसे भी अपन देखेंगे कि आपके पास यूनिफॉर्म रोप है, तो इसका मास जो रहेगा वो इस वाली लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा और इसका मास जो रहेगा वो इस वाली लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी से अगर अपन चलें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास x दैट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा म्यू और ये बन जाएगा अपने पास कितना एल माइनस एक्स। के पास समझ आ रही है, सिंपल सा मामला है। अदरवाइज आप यहां पर देख सकते हैं एम अपॉन एल इंटू एक्स रहेगा और दूसरा वाला जो ये तो रहेगा आपका एम वन, और एम टू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स। ठीक है, इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो एक्स विल बी इक्वल्स टू म्यू एल माइनस क्या हो जाएगा म्यू एक्स, इसको उधर भेज देता हूं मैं, तो ये बनेगा मेरे पास कितना एक्स कॉमन दिस विल बी वन प्लस म्यू दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा म्यू एल, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू। It will be the maximum length by which the string can hang from the edge so that string will not or string or rope will not slide down. यह वह अधिकतम लंबाई होगी जब जो डोरी है वो टेबल से नीचे नहीं फिसरे। तो म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू, म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू ऑप्शन नंबर अपने पास बन रहा है 49 का 3। थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर 49, आंसर नंबर 3। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50, an object of mass m is kept on a rough horizontal surface, ठीक है, of coefficient of friction mu, a horizontal force is applied on the object, fine, but it does not move, ठीक है, object move नहीं कर रहा है, the resultant contact force acting on the object from the surface is given by F vector, then आपको resultant contact force की बात करनी है, एक m द्रव्यमान का एक पिंड खुरदरी क्षैतिज सतह, जहाँ पर घर्षण गुणांक की वैल्यू म्यू है, पर रखा है, पिंड पर क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है परंतु पिंड विस्थापित नहीं होता है। यदि सतह तथा पिंड के मध्य परिणामी संपर्क बल F हो तो आपको F की वैल्यू बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं। ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रफ ओरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, इसका मास अपन M ले लेते हैं, इस पर अपन ने एक ओरिजेंटल फोर्स अप्लाई किया है, ये F एक्सटर्नल फोर्स है जो अपन ने अप्लाई किया है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो उस केस में अभी इस पर कॉन्टेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की मूव करने की टेंडेंसी इधर की तरफ है, तो फ्रिक्शन इस पर एक्ट करेगा पीछे की तरफ, ये रहा अपने पास फ्रिक्शन, ठीक है, इस पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा उधर की तरफ, और हमारे पास अगर अपन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की बात करें तो फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स दोनों ही कॉन्टेक्ट फोर्स रहते हैं, तो नॉर्मल फोर्स रहेगा इधर और फ्रिक्शन अभी एक्ट कर रहा है, दिस फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब ये है कि दोनों जो भी कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट कितना है, नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा दैट विल बी अवर रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स, और ये अपने को बोल रखा है ये कौन है अपना F वेक्टर। तो बेसिकली आपके पास F वेक्टर जो रहेगा दैट विल बी N वेक्टर प्लस फ्रिक्शन वेक्टर। अभी नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है ये तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने हैं, तो अगर मैं F वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये रहेगा मेरे पास कितना अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा F स्क्वायर, और क्वेश्चन में आपको लेस देन इक्वल टू टाइप का मामला बोल रखा है, तो कहने का मतलब अपने को रेंज के बारे में बात करनी है, तो यहां पर n तो उतना ही रहना है, n विल बी इक्वल टू mg, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने को पता है कि फ्रिक्शन जो है वो एडजस्टेबल रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर अगर अपन F की बात करें तो F जो रहेगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू, इधर अपन देख सकते हैं कि ये अपने पास n स्क्वायर हो गया, और ये जो रहेगा दिस विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यह वह अधिकतम घर्षण रहेगा जो सतह पर उत्पन्न हो सकता है। तो अगर अपने को यहां पर पूछा है कि F की रेंज क्या रहेगी, तो F इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन अचीव करेंगे तब तक F अपने पास कॉन्टेक्ट फोर्स रहेगा, तो ये अपने पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो F की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, बाकी F इस टर्म से क्या रहेगा कम ही रहेगा। आगे अगर अपन यहाँ पर F की बात करें तो F ये अब अपन देखें अंडर रूट ये कितना है अपने पास एम जी का होल स्क्वायर प्लस ये जो बनना है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एम जी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर एम जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और लेस देन इक्वल टू चल रहा है तो F वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी कॉमन इधर बन जाएगा अंडर रूट वन प्लस अपना क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर। आप ये ध्यान रखें कि रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है ठीक है बिकॉज नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस ठीक है तो F विल बी लेस देन और इक्वल टू एम जी अंडर रूट वन प्लस क्या रहेगा म्यू स्क्वायर F विल बी लेस देन और इक्वल टू एम जी अंडर रूट वन प्लस म्यू का क्या रहेगा स्क्वायर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की अपन ने यहाँ पर बात करी एक बढ़िया क्वेश्चन है देखें आप किस तरह से अपन ने सॉल्व किया चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर क्वेश्चन
51 ये बोल रहा है, we need to calculate acceleration of blocks if kinetic friction coefficient between 10 kg block and the surface is 0.05. okay, यदि 10 kg गुटके तथा सतह के मध्य गतिक घर्षण गुणांक 0.05 हो तो गुटकों का त्वरण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है. ठीक है, तो सिंपल हम लोग अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऐसे सिस्टम्स में एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन दैट इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन सम ऑफ मासेस, एफ नेट अपॉन क्या रहेगा हमारे पास सिग्मा एम. ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन जो चल रही है उसको अगर अपन रेफर करें तो ये बनेगा इधर नेट पुलिंग फोर्स, इसको आगे कौन खींचेगा, दैट विल बी 20 या 2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हो जाएगा हमारे पास कितना 20 न्यूटन. अगर अपन बात करें तो सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है और सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है तो पीछे की तरफ यहां पर 10 kg की मूव करने की टेंडेंसी इधर, तो इधर फ्रिक्शन एक्ट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और ये हो जाएगा म्यू एन, और म्यू एन एन जो रहेगा इसका म्यू की वैल्यू कितनी है 0.05 और एन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 into ये हो जाएगा अपने पास जी जो हो जाएगा 10. तो बेसिकली ये हो जाएगा अपने पास 5 न्यूटन. तो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस 10 के जो ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ एक्ट करेगा, दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ये बना कैसे है, यहां पर हमारे पास n रहेगा, दैट n विल बी इक्वल्स टू ये बन जाएगा अपने पास कौन mg, 10 के जी ब्लॉक है 10 इंटू 10 ये हो गया और फ्रिक्शन कॉफिशियंट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 0.05 दे रखी है बस. तो ये अपने पास हो जाएगा 5 न्यूटन. और अगर अपन नेट पुलिंग फोर्स की बात करें तो नेट पुलिंग फोर्स आगे की तरफ कौन खींच रहा है 20, पीछे की तरफ कौन खींच रहा है दैट इज 5 अपॉन सम ऑफ मासेस, कितना बन जाएगा मेरे पास ये 10 प्लस 2 12, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना 15 अपॉन कितना हो जाएगा 12, या मैं इसको लिख सकता हूं दिस विल बी 5 अपॉन कितना बन जाएगा 4, 5 अपॉन 4 का मतलब हो जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विल बी 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 51 क्वेश्चन नंबर 51 का रिजल्ट रहेगा हमारे पास आंसर नंबर 1 दैट इज 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर अपन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन सम ऑफ मासेस अपन ने यूज किया. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है दैट देखते हैं क्या बोल रहा है. ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. ओके फाइन, इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल विल बी. 150 ग्राम की एक गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिर जाती है जो पृथ्वी से टकराकर पुनः समान ऊंचाई तक उछलती है. समान ऊंचाई तक जाने का मतलब यह है, या रीबाउंड टू द सेम हाइट का मतलब यह है कि उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, देन वी नीड टू कैलकुलेट द इंपल्स इम्पोज्ड ऑन द बॉल. ठीक है, तो देखो और आपको इसमें डायरेक्शन भी बतानी है, डाउनवर्ड अपवर्ड सारा मामला अपने को डिस्कस करना है. तो मुद्दा यह है, पहले इस सिचुएशन को अपन देखते हैं. बॉल ऊपर से यहां से कुछ 20 मीटर हाइट से बॉल यहां पर आ रही है, दिस एच इज 20 मीटर. बॉल जब स्ट्राइक करेगी उससे पहले उसकी वेलोसिटी जो रहेगी उसके लिए अगर अपन बोले तो इसको अपन देखें यहां पर फाइनल वेलोसिटी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर और जी अपना रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर अपन बात करें वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 टू जी और ये हो जाएगा एच. तो v की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास अंडर रूट 2g h, जिसकी वैल्यू के लिए बात करें तो ये अंडर रूट 2 इंटू जी ये हो जाएगा अपने पास 10 और h कितना अपने पास 20. तो ये हो जाएगा 20 इंटू 40 इंटू 10 400 अंडर रूट में. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 400 अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आएगा उसकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. पॉइंट नंबर 1. अब अपन यहां पर बात करते हैं, ये यहां से फिर से सेम हाइट तक रीच करता है. सेम हाइट तक जाने के लिए अपने को इसको वापस से यहां पर इसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड अगेन. ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना दे दिया है दैट m इज व्हाट 150 ग्राम. 150 ग्राम का मतलब ये हो जाएगा अपने पास 0.15 kg. अब अपन इंपल्स की अगर अपन बात करें देन इंपल्स के लिए बोले तो इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा पी इनिशियल. फाइनल मोमेंटम अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी नेगेटिव डायरेक्शन. और ये अपना क्या हो जाएगा, इधर फाइनल मोमेंटम बनेगा. फाइनल मोमेंटम कितना बनेगा, दिस विल बी एम, इधर मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा मेरे पास वी माइनस ये हो जाएगा एम यू, या एम को अगर अपन कॉमन ले लेते ये अपने हो जाएगा पॉइंट
15 m कॉमन v की वैल्यू, v फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ है दैट इज पॉजिटिव 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी उधर की तरफ है तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस 20। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स की अगर अपन बात करें तो बॉल के मोमेंटम चेंज को अगर अपन देखेंगे 0.15 और ये बन जाएगा मेरे पास कितना 40, तो ये बन जाएगा कितना 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी 6 न्यूटन और न्यूटन सेकेंड या इसको अपन लिख सकते हैं दिस विल बी 6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन में अपन ने बॉल के मोमेंटम चेंज की बात करी है एंड दिस मोमेंटम चेंज ये बॉल के लिए अपन ने सॉल्व किया है तो ये बॉल का बॉल पर जो इम्पल्स इम्पोज हुआ है उसकी वैल्यू है और बॉल पर इम्पल्स जो है वो आपके पास अभी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि बॉल पर इम्पल्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर हमारे पास ये फाइनल मोमेंटम है और इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम तो डायरेक्शन में भी इंपल्स की जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम किधर चेंज हुआ है, बॉल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, पहले इधर मोमेंटम पहले जीरो हुआ देन अगेन राइज और इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन तो नेट और मोमेंटम चेंजेस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास ये रिजल्ट जो बन रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि बॉल का मोमेंटम आपने जो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रखी है उधर मोमेंटम चेंज हो रहा है। अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, ये है तो अपने पास ये आ जाएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज दैट विल बी 6 kg मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन ये बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, दिस इज ऊपर की ओर। ठीक है, ये बॉल के लिए अपन ने सॉल्व किया तो दिस क्वांटिटी विल डायरेक्टली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स ऑल्सो, ये वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंपल्स चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, आंसर नंबर रहेगा हमारे पास कितना 6 kg मीटर पर सेकेंड एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, 52 का आंसर रहेगा 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 बात करते हैं, लेट ई जी एंड एन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, देन यदि ई जी तथा एन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत गुरुत्वाकर्षण तथा नाभिकीय बलों के परिमाण हो तो अपने को यह देखना है अपने पास कौन कौन है, वी हैव टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉनों के बीच में टू प्रोटॉन्स और हमारे पास डिस्टेंस जो दे रखी है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो ये अपने पास प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, ये दूसरा चार्ज इस पर भी चार्ज रहेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी, ये अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन ये भी एम पी, इनके बीच में डिस्टेंस कुछ है और ये 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगा। बात आती है न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स के लिए अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर ओनली इफेक्टिव इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो रेंज होती है वो फर्मी रेंज पर होती है या 10^-15 मीटर की रेंज पर न्यूक्लियर फोर्सेस इफेक्टिव होते हैं और अपने पास क्या है 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है। 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस का मतलब नियरली हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो 5-9 एंगस्ट्रॉम जो है 0.5-9 एंगस्ट्रॉम उससे ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो बेसिकली अभी अपने पास प्रोटॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस रहती है दैट इज ऑफ द रेंज 10^-15 मीटर और न्यूक्लियर फोर्सेज केवल इसी रेंज पर इफेक्टिव होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज आर वेरी स्मॉल रेंज फोर्सेज विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज। ठीक है, बट वो इफेक्टिव कब होते हैं, जब आपके पास डिस्टेंसेज जो हो वो फर्मी रेंज पर हो, 1 फर्मी 2 फर्मी उस लेवल की रेंज पर हो और अभी आपके पास जो चल रहा है मामला 1 एंगस्ट्रॉम या अभी अपन बात कर रहे हैं 10^-10 मीटर ऑर्डर पर, तो इस टाइम पर न्यूक्लियर फोर्सेज इनके बीच में इफेक्टिव नहीं होंगे और इनफैक्ट न्यूक्लियर फोर्सेज एक्ट इनके बीच में नहीं करेंगे। तो अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आपके पास रहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स और उसके बाद आपके पास रहेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे क्योंकि k की वैल्यू 9×10^9 रहेगी, इधर ग्रेविटेशन फोर्स के लिए g आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 10^-11 में होना है तो ये भी एक्ट करेंगे एंड एट दीज डिस्टेंसेज न्यूक्लियर फोर्सेज विल नॉट बी इफेक्टिव।
तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अपने को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि न्यूक्लियर फोर्सेज एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये फर्मी लेवल होता या फर्मी रेंज होता, 10^-15 का ऑर्डर होता, तो न्यूक्लियर फोर्सेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज होते, तो एन ई जी बन जाता। अभी अपने पास ई जी एन रहेगा, क्या बात समझ में आ रही है? तो ई ई ई, फिर आएगा जी और फिर आएगा एन। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 53, आंसर नंबर अपना क्या रहेगा? 4, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 पर। A 60 kg man pushes a 40 kg man by a force of 60 newton. Okay, then the 40 kg man has pushed the 60 kg man with a force of. Okay, ठीक है। एक 60 kg की व्यक्ति ने 40 kg व्यक्ति को 60 newton के बल से धक्का दिया है, तो 40 kg की व्यक्ति द्वारा 60 kg की व्यक्ति पर लगाया गया बल होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं करना है। What? Law of action and reaction. एक आदमी ने दूसरे आदमी पर जो फोर्स अप्लाई किया है, उसी टाइम पर दूसरे आदमी ने उतना ही फोर्स दूसरे पहले आदमी पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें तो यहां पर अपने पास एक, अगर अपन सरफेसेस की भी बात करें तो हमारे पास ये सरफेस, इसकी वजह से इस पर एन इधर अप्लाई हो रहा, तो इसकी वजह से एन इस सरफेस पर, इस वाली सरफेस पर इधर की तरफ अप्लाई होगा। तो यहां पर 60 केजी की वजह से 40 केजी पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? 60 न्यूटन। तो 40 केजी की वजह से 60 केजी वाले पर भी कितना फोर्स एक्ट करेगा? दैट विल बी 60 न्यूटन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 54 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, दैट विल बी 60 न्यूटन। 54, चलते हैं अपन 55 पर। 55, न्यूट्रॉन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ए प्रोटॉन इन न्यूक्लियस आर। चलो, अभी जो बात कर रहे थे उसी मुद्दे पर आ चुके हैं अपन, और अब अपन बात कर रहे हैं कि इन द न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस के अंदर हैं, और उस टाइम पर अपने को पूछा है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई करेगा? ए ग्रेविटेशन, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सी न्यूक्लियर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाभिक में एक न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल होंगे। ठीक है, पहले 2 प्रोटॉन थे, बट नाउ वी हैव 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो अब अपने पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास न्यूक्लियर फोर्सेस इफेक्टिव रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं, दूसरा, दोनों पार्टिकल्स में मास है और दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है, बट अब जो दोनों पार्टिकल्स हैं उसमें से न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, तो KQ1Q2/r² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहेगा दैट विल नॉट एक्ट, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास इस पर चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप देखने में लगता है बट न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, तो उस पर, तो अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? ए एन सी ओनली। ठीक है, ए एन सी ओनली, ए एन सी टाइप, बी एक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल नॉट एक्ट। तो हमारे पास 55 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2, ओनली ए एन सी टाइप, ग्रेविटेशन एंड न्यूक्लियर फोर्सेज विल एक्ट बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56, a body of weight W1 is suspended from ceiling of room through a chain of weight W2. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या है अपने पास? W1 है, और उसको अपन ने एक सीलिंग, एक रूम की सीलिंग से हैंग किया है, और वेट ऑफ द चेन इज W2. द सीलिंग पुल्स द चेन बाय ए फोर्स। W1 भार की वस्तु, W2 भार की एक चेन द्वारा कमरे की छत से लटकाई गई है, छत द्वारा चेन पर लगाया गया बल होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो सिस्टम ऐसा बन गया अपने पास, ये हो गई अपने पास चेन, और ये हो गया हमारे पास W1 का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका W1 नीचे की तरफ, ये रहेगा W1, इसके लिए अगर अपन बात करें तो इसका जो W2 है वो भी किधर रहेगा? नीचे की तरफ W2। तो भार का मतलब और वेट का मतलब ये है द फोर्स बाई विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग। तो अगर अपन पूरे सिस्टम की बात करें तो यहां पर इस कंप्लीट सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में है होने के लिए इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? W1+W2। और इस ऑब्जेक्ट को अगर अपने को इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो उसको इक्विलिब्रियम में कौन लेके आएगा? यहां पर इस सरफेस सीलिंग की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो
इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आएगा, यानी कि f की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, w1 plus w2। कहने का मतलब इस पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में w1 plus w2 नेट फोर्स है, ठीक है। तो इस सीलिंग को इतना फोर्स इस स्ट्रिंग पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंप्लीट सिस्टम किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो नेट फोर्स अप्लाइड बाय और द फोर्स बाय विच सीलिंग पुल्स द चेन विल बी w1 plus w2, w1 plus w2। 56 का आंसर रहेगा अपना 3। चलते हैं अपन 57 की तरफ। 57 When a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by। जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को आगे बढ़ने में मदद करता है वह बल होगा। तो फिर से एक कभी भी हम लोग अगर चलते हैं तो आप अगर मूव कर रहे हो, ये अपन है, ठीक है, एंड लेट्स से वी आर मूविंग, ठीक है, मूविंग का मतलब अपन ऐसे आगे चल रहे हैं, ठीक है, ये अपन चल रहे हैं। तो आगे जब इंसान चलता है तो उसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी जो होती है वो पीछे की तरफ होती है। जब अपन चल रहे हैं तो अपना पैर पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है और उसकी वजह से इस पैर की स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे होती है, जिसकी वजह से सरफेस की वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो आगे की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं आगे की तरफ चल रहा हूं या आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हूं तो आगे की तरफ एक्सेलरेट होने के लिए मेरे ऊपर आगे की तरफ फोर्स भी लगना चाहिए और वो फोर्स जो होता है वो ग्राउंड की वजह से मुझ पर एक्ट करने वाला फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, जिसकी वजह से मैं आगे की तरफ एक्सेलरेट होऊंगा। आदमी जब चलता है तो फ्रिक्शन हमेशा उस पर क्या लगेगा, आगे की तरफ रहेगा। नेट फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी अगर अपन बात करें तो घोड़ा जब आगे बढ़ रहा है तो यहां पर उसके उसको आगे बढ़ने में हेल्प जो करेगा वो होगा अर्थ की वजह से हॉर्स पर अप्लाइड फोर्स रहेगा। अर्थ की वजह से हॉर्स पर अप्लाइड फोर्स जो रहेगा उसकी वजह से हॉर्स आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो दिस विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द हॉर्स बाय द ग्राउंड, ठीक है। द कार्ट ऑन द हॉर्स, नहीं, गाड़ी की वजह से घोड़े पर नहीं, द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, इट द फोर्स दैट हेल्प द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द हॉर्स। कहने का मतलब ये घोड़ा बना देते हैं, चलो बढ़िया ठीक ठाक सा घोड़ा अपने पास है ये, और ये आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो ये आगे की तरफ अगर मूव करेगा या आगे की तरफ ये एक्सेलरेट होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, ग्राउंड की वजह से इस हॉर्स पर आगे की तरफ जो फोर्स अप्लाई होगा वो इसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी अगर कार्ट की वजह से बात करें तो कार्ट की वजह से हॉर्स पर जो फोर्स रहेगा दैट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि कार्ट पीछे है उसको, तो घोड़ा कार्ट को आगे खींचेगा तो कार्ट पर हॉर्स की वजह से फोर्स आगे की तरफ रहेगा, तो कार्ट की वजह से हॉर्स पर जो फोर्स रहेगा वो पीछे की तरफ रहेगा। तो इसको आगे बढ़ने में जो हेल्प कर रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ठीक है। तो 57 का आंसर नंबर रहेगा हमारे पास 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 58 पर। A block of mass m is at rest on a rough inclined plane of inclination theta. Okay. With the horizontal, the friction force exerted by the plane on the block will be. एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक m द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज से थीटा कोण के क्रूरधन नत्तल पर, क्षैतिज से थीटा कोण का क्रूरधन नत्तल है जिस पर विरामावस्था में रखा है, विरामावस्था में रखा है, नत्तल द्वारा गुटके पर आरोपित घर्षण बल होगा। डन। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, ये एंगल अपने पास कितना है, थीटा है, ये अपने पास क्या है, इधर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है और ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इसका मतलब ये है कि इस पर सारे फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। सारे फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करने का मतलब ये है कि इस सर्फेस से इधर की तरफ कौन एक्ट करेगा, तुम्हारे पास एन, इधर की तरफ एम जी का कंपोनेंट जो रहेगा वो कौन रहेगा, एम जी कॉस थीटा। इस ऑब्जेक्ट पर आगे की तरफ जो फोर्स रहेगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा, और इस ऑब्जेक्ट की स्लाइड करने की टेंडेंसी आगे की तरफ है तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है यानी कि इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, स्थैतिक घर्षण बल इस पर कार्य करेगा और स्थैतिक घर्षण बल एक स्व समायोजित बल है, या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब यह होता है कि जितनी अपने को जरूरत होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अभी इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है और वो कैसे रहेगा, वो ऑब्जेक्ट को नहीं चलने देगा। मीन्स व्हाट इज द टेंडेंसी और नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट फोर्स विल नॉट अलाउड ऑब्जेक्ट टू मूव, ठीक है। तो
फ्रिक्शन की बस यही टेंडेंसी रहेगी कि ऑब्जेक्ट नहीं चलना चाहिए, और नहीं चलना चाहिए का मतलब क्या होना चाहिए कि इस पर दोनों फोर्स जो रहेंगे वो बैलेंस रहेंगे, यानी कि अभी इस पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अब ये रेस्ट पर है तो इस पे सारे फोर्सेस क्या रहनी चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। इधर अपने पास क्या रहेगा? एन, ये बैलेंस, और इधर अपने पास क्या रहेगा? फ्रिक्शन, जो एम जी साइन थीटा से बैलेंस होगा और ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी। यहां पर अगर अपन बात करें तो अपने पास एन की वैल्यू कितनी है? दैट इज एम जी कॉस थीटा, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू एन, तो ये बन जाएगा मेरे पास म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस, पर इसने की अपने को जरूरत नहीं है, इतने की अपने को जरूरत नहीं है, तो इतना चाहिए भी नहीं है, तो इतना नहीं चाहिए, तो जितना चाहिए उतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज स्टेटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। ठीक है, तो अभी अपने पास जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप म्यू एम जी कॉस थीटा यहां पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, दैट विल बी एम जी साइन थीटा। 58 का आंसर नंबर रहेगा 4, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी एम जी साइन थीटा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला ये बोल रहा है अपने को 59, इन अबव क्वेश्चन द नेट कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक विल बी। ठीक है, अब ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को ये पूछा हुआ है कि इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द नेट कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। इस प्लेन की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर नेट कॉन्टेक्ट फोर्स कितना लग रहा है? तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये रहा अपने पास प्लेन, ये रहा अपने पास ब्लॉक, और अपने पास दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स कौन है? एक एन है और एक अपने पास कौन है? ये है अपने पास पीछे की तरफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन अभी अपने को जो चाहिए दैट इज एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा लग रहा है। और हम जानते हैं कि नेट कॉन्टेक्ट फोर्स को अगर मैं आर बोल देता हूं तो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स इज बेसिकली एन वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर, या आर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर, बिकॉज दीज टू आर एट 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री पर है, और इनका रिजल्टेंट जो रहेगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा, और ये रहेगा आपके पास नेट कॉन्टेक्ट फोर्स जिसका नाम रहेगा आर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक मुद्दा अपने पास ये है कि अपने पास ये रहेगा नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो आप वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज एन की वैल्यू कितनी है? तुम्हारे पास एम जी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? एम जी साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एम जी स्क्वायर यहां से कॉमन लेता हूं तो आर में एम जी तो चला जाएगा बाहर, अंडर रूट में बन जाएगा तुम्हारे पास कौन? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा कि इस टाइम पर इस सरफेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट कॉन्टेक्ट फोर्स जो रहेगा दैट आर विल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, और ये फोर्स जो रहेगा दैट एम जी विल बी इन दिस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रहेगा? ये इधर ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो द नेट कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक विल बी एम जी। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस है वो कैसे कैसे है। यहां पर इधर रहेगा फ्रिक्शन, इधर रहेगा नॉर्मल, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा? एम जी। तो इस डायग्राम को अगर अपन वापस बनाए तो इधर अपने पास है एम जी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर अब जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो केवल इस सरफेस की वजह से एक्ट कर रहे हैं, तो इस सरफेस की वजह से इस पर जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस एम जी को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पॉइंट इज इस ऑब्जेक्ट पर अगर अपन इस सरफेस को छोड़ते हुए फोर्स बनाए तो इस पर एक ही फोर्स है, वो कौन है? एम जी है। और ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है तो इस पर एक ना एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करना चाहिए जो इस एम जी को बैलेंस करेगा, और एंड दैट विल बी द नेट कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द सर्फेस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी एम जी। तो आप सीधा भी इसको इस तरह से देख सकते हैं, अगर नहीं तो यहां पर फ्रिक्शन अपने पास ये रहा, नॉर्मल फोर्स ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा वो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स आर रहेगा, एंड दिस विल बी By solving this equation, it will be mg. एक important question है. Question number 59 का answer रहेगा 1. That net contact force will be mg. चलते हैं अपन अगले question पर. 60. हम लोग को ये बोल रखा है, the displacement time xt curve of a particle moving along x-axis is shown in figure. Position और time curve अपने को या displacement time curve अपने को given है. Force on a particle is zero in the region. ओके, ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करते हैं देन एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील एक कण का विस्थापन समय वक्र एक्स टी वक्र चित्र में दर्शाया गया है। हम लोग को यह बताना है कि किन क्षेत्रों में कण पर लगने वाला बल जो है वो शून्य होगा। ठीक है, चलो ये अपने पास क्या है, एक्स टी कर्व है, और एक्स टी कर्व का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगी। तो अगर अपन बात करते हैं ए बी जोन में,
तो ए बी यहां पर देखते हैं, ए बी जोन में अगर अपन स्लोप की बात करें तो यहां से चलाएंगे स्लोप को, तो यहां पर इस कर्व पर अगर अपन चलते हैं तो हमारे पास जो ए से बी के बीच में यहां पर टेंजेंट जो है, टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ए से बी में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं बी से सी में, तो बी से सी में ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है और बी से सी में अपने पास स्लोप क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, स्लोप कॉन्स्टेंट है, यानी कि यहां पर वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं सी से डी में, तो सी से डी में अगर अपन बात करते हैं तो सी से डी में स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सी से डी में अगर अपन चलते हैं तो सी से डी में हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर अपन बात करें डी से ई में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां पर स्लोप कितना है, स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप दैट इज जीरो। तो अगर अपन बात करते हैं डी से ई में, तो इस जगह पर स्लोप जीरो है, यानी कि वी विल बी इक्वल टू जीरो। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, सिंपल सा मामला है। अब अगर अपन यहां पर बात करें वेलोसिटी का इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, यानी कि मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करूं तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो। यहां पर वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और यहां पर वेलोसिटी जीरो है, कहने का मतलब एक्सेलरेशन अभी पोजिशन उसकी मेंटेन्ड है ओवर द टाइम, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, कहने का मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अपने पास जीरो रहेगा। पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज हो रही होती तो अपन उसके बारे में सोचते, बट अभी पार्टिकल की ओवर द टाइम पोजीशन क्या है, सेम ही है, यानी कि पार्टिकल 10 मीटर पर है तो 10 मीटर पर ही है, ठीक है। कहने का मतलब पार्टिकल कहाँ किस पर है, रेस्ट पर है, और रेस्ट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अभी जीरो और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो चले आगे, तो अपने पास एक्सेलरेशन किस किस में जीरो आ गया, एक्सेलरेशन जीरो आ गया है हमारे पास बी सी जोन में, और एक्सेलरेशन जीरो आ गया है हमारे पास डी ई जोन में। तो बी सी और डी ई जोन्स जो रहेंगे, इनमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो फोर्स भी क्या रहेगा, पार्टिकल पर जीरो रहेगा। तो बी सी और डी ई विल बी द रीजंस वेयर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो, ठीक है। सिंपल ग्राफ को पढ़ना है अपने को, तो बी सी एंड डी ई, बी सी एंड डी ई ऑप्शन नंबर 360 का आंसर रहेगा हमारे पास, कौन, आंसर नंबर 3, बी सी एंड डी विल बी द जोन्स वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो एंड फोर्स विल बी जीरो, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको अपन ने डिस्कस किया, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61, इन द ग्राफ ऑफ 60 मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। आपको जो 60 का ग्राफ दे रखा है उसमें आपको यह बताना है कि पार्टिकल का मोमेंटम कहां जीरो है। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम पी विल बी इक्वल्स टू, पी विल बी इक्वल्स टू एम वी। तो जहां पर वी विल बी इक्वल्स टू जीरो, वहां पर मोमेंटम विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। तो मोमेंटम जीरो होने के लिए वी जीरो होना चाहिए, और वी अपना जीरो कहां हो रहा है, डी ई जोन में वी जीरो है। अगर अपन बी सी जोन में बात करें तो बी सी जोन में वी कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट होने की वजह से यहां पर मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। पर यहां पर वी जीरो है तो यहां पर मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो डी ई जो जोन रहेगा, डी ई जोन दैट इज 61, आंसर नंबर रहेगा हमारे पास 3, डी ई में पार्टिकल का, डी ई जोन में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो होने पर मोमेंटम भी क्या रहेगा, उसका जीरो रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम इज जीरो। अभी ध्यान रखें यहां पर बी सी में वी कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, बट यहां पर मोमेंटम जीरो नहीं है, यहां पर मोमेंटम क्या है, कॉन्स्टेंट है। मोमेंटम जीरो विल बी इन द रीजन वेयर वेयर वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो डी ई विल बी द आंसर, 61 का आंसर नंबर रहेगा 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर जो रहेगा हमारे पास 62। सपोज ऑल द सर्फेसिज इन द सिस्टम आर रफ एनफ टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ओके, देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी विल बी अपवर्ड डाउनवर्ड इज जीरो, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ए। यहां पर यदि निकाय में, इस निकाय में दर्शाई गई समस्त सतहें खुरदरी हैं तथा निकाय को साम्यावस्था में रखने के लिए पर्याप्त है, तो अपने को यह बताना है कि बी के कारण ए पर कार्यरत, बी के कारण ए पर कार्यरत घर्षण बल होगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर, शून्य या पिंड ए के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। सिस्टम को अगर अपन सॉल्व करें तो यहां से चलते हैं ऐसा, देखो इस बी के लिए देखिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, इस बी का वेट किधर रहेगा हमारे पास, बी का, बी के लिए रहेगा एम
जी, या डब्ल्यू बी की बात करें तो डब्ल्यू बी अपने पास क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका। ये अपने पास है कौन, ऑब्जेक्ट नंबर ए, ये रहा अपने पास कौन, ऑब्जेक्ट नंबर बी। ठीक है, ये अपने पास फोर्स है, इसको दोनों तरीके से मैं समझाऊंगा। इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट रहेगा, दैट विल बी एम जी, एंड इनफैक्ट इट विल बी एम बी जी, इसका मास है अपने पास एम बी जी। ये फोर्स अपने पास इधर की तरफ है, इस बी पर यहां से इस जगह से इधर की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और अब आपको ये बोला हुआ है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में यानी कि इस पर फोर्सेस बैलेंस है, इस पर नॉर्मल फोर्स इधर, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इधर लग रहा है। अगर मैं बी वाले ऑब्जेक्ट का एफ बी डी बनाता हूं तो ये बी वाला ऑब्जेक्ट जिसका एम बी जी या डब्ल्यू बी जो रहेगा वो नीचे की तरफ है, जो कौन है अपना एम बी जी। ठीक है, इस सरफेस से नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स, और इधर से जो फोर्स इस पर एफ एक्ट कर रहा है वो एफ इधर की तरफ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इस पर इसकी गिरने की टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ है, तो इस बी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन जो एक्ट करना चाहिए वो ऊपर की तरफ एक्ट करना चाहिए, यानी कि ए की वजह से बी पर, इस ए की वजह से बी पर फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये फ्रिक्शन इस वेट को बैलेंस करेगा। इक्वेशन अगर बनानी है तो एन विल बी इक्वल टू एफ और हमारे पास फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी जी, ये रहेगा। तो ए की वजह से बी पर फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा इस वजह से। अब अगर अपन बात करें तो बी की वजह से ए पर जो फ्रिक्शन रहेगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट जो है, बी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर अपन ए का एफ बी डी बनाते हैं तो ए का एफ बी डी ऐसा रहेगा, ए के साथ सिचुएशन, ए का डायग्राम, ए पर ए का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है, इधर इधर से बात करें तो ए पर एक नॉर्मल फोर्स, जो बी की वजह से नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो उधर हो जाएगा, जो इस पर नॉर्मल इधर लग रहा है ए पर नॉर्मल उधर लगेगा। वॉल की वजह से नॉर्मल फोर्स जो रहेगा वो इधर रहेगा, इसको एन वन बोल देता हूं। ठीक है, बी पर फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ए पर बी की वजह से फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा, बी की वजह से फ्रिक्शन जो रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और अब ए भी इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये जो वॉल है इसकी वजह से ए पर जो फ्रिक्शन रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल, ये रहेगी ए की कंडीशन, एंड दिस फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल विल बैलेंस डब्ल्यू ए प्लस फ्रिक्शन ड्यू टू बी बोथ। तो इस ए पर अगर अपन बात करें तो वॉल की वजह से जो फ्रिक्शन इस ए पर एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसका वेट नीचे, और बी की वजह से ए पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तभी यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। आप अगर इसको उल्टा सॉल्व करें तो आपका बी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। कहने का मतलब, लेट्स से इसको अपन सॉल्व करते हैं कि आप इसको यूं चले कि चलो सर ए से सॉल्व करते हैं, ए को लेके सॉल्व करो, ए की गिरने की टेंडेंसी नीचे, तो ए पर वॉल की वजह से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, ए का वेट नीचे की तरफ, डब्ल्यू ए नीचे की तरफ, और तुम ये बोलना चाहते हो कि सर ए की फ्रिक्शन गिरने की टेंडेंसी नीचे है तो ए पर बी की वजह से फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इस केस में बी पर वेट भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और बी पर ए की वजह से फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा जो नीचे हो जाएगा, तो फिर बी जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो सिस्टम इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, सिस्टम इधर से चलेगा, और इधर आपको बोला हुआ है दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम यानी कि यहां पर इस सिस्टम में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखे हुए हैं। तो यहां पर अगर बी की बात करते हैं तो बी की बात करेंगे तो बी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ, ये ए के साथ सरफेस से नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, बी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए ए की वजह से बी पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर लगेगा, ए की वजह से बी पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। तो अगर अपन यहां पर देखें तो बी की वजह से ए पर फ्रिक्शन जो होना चाहिए, बी की वजह से ए पर फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन की वजह से नीचे की तरफ रहेगा। तो अपने को क्या पूछा हुआ है, दैट इज द पिंड बी के कारण ए पर कार्यरत घर्षण बल, द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए पर जो फ्रिक्शन रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और अगर आपको इस फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, दिस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन जो रहेगा, तो ये फ्रिक्शन जो है वो इस बी को बैलेंस रख रहा है, इस बी को बैलेंस रख रहा है, तो अपने पास फ्रिक्शन जो रहेगा दैट फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू एम बी जी। क्या बात समझ में आ रही है? ए पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और ये आया कैसे है, एक्शन रिएक्शन से अपन ने इसको सॉल्व किया है। तो ये एक सिंपल सिस्टम है जिसको अपन ने यहां पर बैलेंस करके देखा। मैं अगर आपको
ए का डायग्राम देखें अपन, तो ए का डायग्राम रहेगा ये, जिस पर बी की वजह से फ्रिक्शन जो रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. तो 62 का आंसर रहेगा द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो नीचे की ओर या इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 62 का आंसर रहेगा अपने पास, आंसर नंबर 2. ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 63 पर. तो क्वेश्चन 63 बोल रहा है दैट रीड टू स्टेटमेंट्स केयरफुली. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, फर्स्ट स्टेटमेंट. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, हम लोग को ये दो कथन दिए हुए हैं और इनके बारे में बात करनी है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट है अपने पास दैट द स्थैतिक घर्षण बल सदैव गतिक घर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है, एक. और स्थैतिक घर्षण गुणांक सदैव गतिक घर्षण गुणांक से क्या होता है, अधिक होता है. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग मामला है, बात करते हैं. यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोला है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस जो होता है इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ये काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, दैट मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण कहलाता है. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो वो गलत है क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है. आपके पास जितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है उतना ही आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा. दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. म्यू के से हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है. तो हमारे पास यहां पर हम ये जानते हैं दैट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट, क्योंकि एक बार एक ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद जब वो चलने लग जाता है तो इतना फोर्स हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट जो रहेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है. यहां पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, एक पॉइंट है हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट इज गिवन एज म्यू एस इंटू क्या रहेगा, एन. और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है दैट इज म्यू के इंटू एन. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वह अधिकतम घर्षण जो सतह द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. एक बार चलाने के लिए ऑब्जेक्ट को अपने को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इतना फोर्स अपने को अप्लाई करना पड़ेगा. बट हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं बोला है, हम लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है. और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपके पास जो रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन जीरो. इस रेंज में आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम और जीरो से ज्यादा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स रहेगा. तो इसकी वैल्यू जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम या ज्यादा हो सकती है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. बट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करता है और इसकी वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. तो अगर अपन बात करते हैं तो 63 में अपने पास जो दोनों स्टेटमेंट है उसमें से स्टेटमेंट ए गलत है और स्टेटमेंट बी करेक्ट है. तो ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट अपने पास क्या रहनी है, सिचुएशन रहनी है, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. 63 का आंसर रहेगा हमारे पास 2. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखें, फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उसकी वैल्यू ज्यादा या कम हो सकती है. तो ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट वेयर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस जो है वो म्यू के से क्या रहता है, ज्यादा रहता है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. इफ एन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड एफ इज फ्रिक्शन फोर्स देन ऑन ऑब्जेक्ट देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन. यदि एन पिंड पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा एफ घर्षण बल हो तो पिंड के लिए घर्षण कोण होगा. घर्षण कोण की अगर अपन बात करें या अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, तो एक ऑब्जेक्ट अगर अपन रेफर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली सिचुएशन जो रहेगी, ये हमारे पास कौन है, नॉर्मल रिएक्शन. ऑब्जेक्ट की पर अगर लेस से एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है तो इस पर फ्रिक्शन रहेगा पीछे की तरफ, दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड. यहां पर इस सिस्टम में अगर अपन रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स आर. ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर अपन बात करें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स विद नॉर्मल फोर्स. परिणामी संपर्क बल का अभिलंब प्रतिक्रिया
अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनने वाला कोण जो रहेगा, इसको अगर मैं बोल देता हूं ये मेरे पास एंगल अगर फाई है, ठीक है, तो परिणामी संपर्क बल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल से बनने वाला कोण जो होता है उसको हम लोग घर्षण कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस डायग्राम में अपने को अगर बात करनी है फाई के लिए, तो इधर ये अपने पास वेक्टर एफ है, तो यहां पर इसको अगर सामने शिफ्ट करें तो ये भी कितना रहेगा, एफ रहेगा। दिस एंगल इज फाई, तो यहां पर अगर अपन बात करें टेन फाई दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, एफ अपॉन एन, या अगर अपन फाई की बात करें दैट फाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एन, टेन इनवर्स एफ अपॉन एन, टेन इनवर्स एफ अपॉन एन, सब टेन में दे रखे हैं और टेन इनवर्स एफ अपॉन एन, तो 64 का अपना आंसर रहेगा, आंसर नंबर वन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज द एंगल मेड बाई रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 65 पर। अगला क्वेश्चन 65 ये बोल रहा है, ए ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ ए रोप व्हिच मूव्स विद अ वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी, इधर अगर अपन बात करते हैं, एक चिकने तल पर एक ब्लॉक को रस्सी की सहायता से खींचा जा रहा है जो रस्सी चित्रानुसार v वेग से गतिशील है। ठीक है, ब्लॉक का क्षैतिज वेग होगा, ये एक कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, और कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vb कितना रहेगा, vb अपने को कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन कंस्ट्रेंट या स्ट्रिंग वाले जो भी कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको हमेशा एक ध्यान रखना है कि किसी भी वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट जो रहेगा वो स्ट्रिंग की वेलोसिटी के बराबर रहेगा। कहने का मतलब अभी स्ट्रिंग कितने से जा रही है, v से जा रही है, तो स्ट्रिंग जा रही है अपने पास कितने से, v से, तो किसी भी वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये एंगल अपने को कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इस वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग अगर कंपोनेंट लेते हैं तो मैं इस वी बी का इधर की तरफ, ये एंगल हो गया अपने पास 90 माइनस थीटा, और इस VB का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट जो रहेगा वो स्ट्रिंग की वेलोसिटी के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कहने का मतलब मैं बात करूं VB स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट cos, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका है। यहां पर अगर अपन बात करें तो VB cos 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी sin थीटा, That will be equals to v, और यहां से ब्लॉक की वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा v upon sin theta। कभी भी सॉल्व करने का एक ही तरीका, किसी भी वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट जो रहेगा वो स्ट्रिंग की वेलोसिटी की क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट स्ट्रिंग की वेलोसिटी के इक्वल, दिस विल बी v upon क्या हो जाएगा हमारे पास sin theta, v upon sin theta। 65 का आंसर नंबर रहेगा हमारे पास 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 क्या बोल रहा है, फोर्स इज ट्रूली डिफाइंड एज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर दिखने में सारे फोर्स ही लग रहे हैं बट फोर्स एक्चुअली डिफाइन किया जाता है एफ बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ वेक्टर इज गिवन बाय डी पी अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स। और अगर अपन यहां पर बात करें तो फोर्स वेक्टर जो रहेगा ये पी वेक्टर है, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ, अपने पास पी क्या होता है एम वी वेक्टर, या अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करूं तो फोर्स जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम वी। फोर्स इज ट्रूली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इधर मोमेंटम अपने पास ये रहा, यहां पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है, एम कॉन्स्टेंट है, पर आपके पास इस क्वेश्चन में अगर एम भी वेरिएबल हो तो आपके पास फोर्स का एक्चुअल एक्सप्रेशन जो बनेगा U into V से, ये दो चीजें हैं और दोनों को अगर अपन U into V से सॉल्व करें तो इसकी दो टर्म बनेगी, दैट इज वन इज एम डी वी अपॉन डी टी प्लस दूसरी बनेगी V dm अपॉन डी टी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्स इज ट्रूली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रहा मोमेंटम, दिस इज रेट ऑफ चेंज, तो आंसर ऑफ 66 विल बी 2। क्या बात समझ आ रही है, और अगर अपन यहां पर बात करें तो इनमें सब में आपके पास केवल एक टर्म ही बननी है, ये टर्म ही बननी है, ये टर्म कभी भी इन तीनों में कहीं नहीं आ रही है, केवल इसमें बनी है। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है, तो 66 का आंसर नंबर 2। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 67 के लिए बात करते हैं, इफ एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के फ्रॉम द नेचुरल लेंथ इज एक्स, स्प्रिंग एक्सटेंशन की बात हो रही है और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज एक्स, then the curve between spring restoring force and the extension will be, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंगतांक k है का सामान्य लंबाई से प्रसार x हो तो स्प्रिंग प्रत्यानयन बल fs तथा प्रसार x के मध्य वक्र होगा। ठीक है,
तो हम जानते हैं स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स एफ एस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट और एक्सपांशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें कैसा है मुद्दा कि ये मेरे पास स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, अगर मैंने इसको इधर खींचा तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से लेस से ऐसे एक्सपांड हुई, ये नेचुरल लेंथ से इसका एक्सपांशन इधर हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास x, पर अपन जानते हैं कि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा दैट एफ एस स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू x। ठीक है, तो एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू x बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। x पॉजिटिव रहेगा तो एफ एस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। x पॉजिटिव रहेगा तो एफ एस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एक तो इस बनेगी स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप। क्या बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास आंसर नंबर 4, स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप। दैट इज दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, एक अपने पास फोर्स है, तो दिस फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस डिस्प्लेसमेंट। आंसर नंबर फोर्थ विल बी देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इनमें से कौन सा वक्र स्प्रिंग नियतांक तथा स्प्रिंग की लंबाई एल के मध्य परिवर्तन को सही रूप से प्रदर्शित करता है? ठीक है, हम ये जानते हैं कि अपने पास स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। या अगर अपन इलास्टिसिटी की बात करें तो हम के को ये बोल सकते हैं दैट इज वाई ए अपॉन एल रहता है। एक तरह से एक स्प्रिंग जो है या एक स्ट्रिंग जो है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, जिसका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है वो वाई अपॉन एल रहता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि के विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, वन अपॉन एल, यानी कि इनके बीच में जो ग्राफ रहेगा दैट विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो के और एल के बीच में एल इंक्रीज होगा तो के क्या होता जाएगा, एल इंक्रीज होता होगा तो के कम होता जाएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास इनके बीच में कर्व रहेगा। तो 68 का आंसर रहेगा हमारे पास कितना, दैट विल बी फोर्थ, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 69 पर। 69 क्या बोल रहा है, 69 ये बोल रहा है दैट ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स व्हिच वेरीज एज शोन इन द ग्राफ बिलो। फोर्स टाइम कर्व दे रखा है, द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय इज गिवन बाय 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल आरोपित होता है जिसका परिवर्तन वक्र में चित्र में दर्शाया गया है वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग होगा। देखिए अपन बोल जानते हैं, वापस से अगर अपन बात करें चेंज इन मोमेंटम दैट इज इंटीग्रेशन एफ क्या रहेगा डीटी, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम दैट इज एरिया ऑफ एफ टी। एरिया ऑफ एफ टी कर्व विल बी चेंज इन मोमेंटम, एरिया ऑफ एफ टी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर अपन एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया ये बनेगा मेरे पास कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, 3 × 10 हो जाएगा 30, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 15, 3 × 10 30 हाफ, तो ये बन जाएगा अपने पास 15। इधर ये बन गया मेरे पास 3, ये हो गया 10, तो इसका एरिया अपने पास कितना बन जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी 30, और इसके लिए ये कितना है 3, ये कितना है 10, तो यहाँ पर ये एरिया भी कितना बन जाएगा अपने पास 30। तो अपने पास टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फोर्स टाइम, फोर्स न्यूटन में दे रखा है, टी अपने को सेकंड में दे रखा है, 30 + 30 + 15 60 × 15 दैट विल बी 75 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा 75 न्यूटन सेकेंड, द एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की डायमेंशन क्या रहेगी, फ्रिक्शन फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन रहती है हमारे पास m1 l1 t − 2। तो फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t − 2, 70 का आंसर रहेगा हमारे पास 3। सिंपल क्वेश्चन, फ्रिक्शन कॉफिशियंट नहीं पूछा है अपने को, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। फ्रिक्शन फोर्स की फ्रिक्शन कॉफिशियंट होता तो फ्रिक्शन कॉफिशियंट इज डायमेंशन लेस, बट अपने को फ्रिक्शन फोर्स पूछा है और फोर्स की डायमेंशन दैट इज m1 l1 t − 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपने पास रहेगा 71 क्या बोल रहा है, कंसिडर टू सिचुएशंस, ए रेनड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली फॉलिंग डाउन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ओके ठीक है, ए काइट इज held stationary in the sky, the net force acting on the object is 0 in first case, 0 in second case, 0 in both the case, non-zero in both the case. दो स्थितियां अपन देखते हैं, एक नियत चाल से नीचे गिरती हुई वर्षा की एक बूंद है, नियत चाल बोल रखा है,
आकाश में विरामावस्था में स्थिर एक पतंग है, तो दोनों स्थितियों में बल के बारे में अपने को बात करनी है कि शून्य किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स अपने पास क्या है, जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट जो रहता है वो भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जहां पर फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो इस केस में फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, पॉइंट नंबर वन। और काइट अपने पास स्टेशनरी है इन द स्काई, कहने का मतलब स्टेशनरी होने का मतलब उस पर सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट इक्विलिब्रियम आइदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। या तो वस्तु विरामावस्था में है या वो नियत वेग से गति कर रही है, दोनों साम्यावस्था की स्थितियां होती हैं। तो ये दोनों ही अपने पास क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स है। और दोनों केस में फोर्स क्या रहेगा हमारे पास, F will be equals to zero। तो दोनों केसेस जीरो इन बोथ द केस, फोर्स एक्टिंग ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो इन बोथ द केस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, 72 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg moving with velocity 10 meter per second is applied by a force as shown in figure। अपने पास force दे रखा है, then ठीक है, what will be the final velocity of the object? ठीक है, 10 meter per second से एक object move कर रहा है, object का mass अपने को given है, that is 2 kg, उस पर बल चित्रानुसार आरोपित किया जाता है, चित्रानुसार आरोपित किया जा रहा है, तो अपने को पिंड का अंतिम वेग बताना है, पिंड का अंतिम वेग क्या होगा जिसके बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है? तो हम बात करते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। देखें, हम ये जानते हैं दैट चेंज इन मोमेंटम वापस से दैट इज एरिया अंडर एरिया ऑफ एफ टी कर्व। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम वी माइनस यू। चेंज इन मोमेंटम एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया, एरिया कितना बन रहा है अपने पास, ये बन जाएगा हाफ बेस, ठीक है, 8 इंटू हाइट कितना है अपने पास 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 80 बाय 2, ये बन जाएगा 40। तो इधर बन जाएगा अपने पास एरिया दैट इज 40, इधर m, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है दैट इज 10, दैट इज इक्वल्स टू 40। अगर अपन चलते हैं तो v माइनस 10 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 20, और v की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो 72 का आंसर रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड, देन 72 आंसर रहेगा 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 ये बोला हुआ है, कुछ तो बोल रहा है, ए रोप ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड व्हिच इज अपोजिट टू द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। ओके, एल लंबाई की एक रस्सी पर एक सिरे पर नियत बल एफ द्वारा वो रस्सी खींची जा रही है, रस्सी के उस सिरे पर जहां बल आरोपित नहीं किया गया है वहां से एक्स दूरी पर रस्सी में तनाव होगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये देते देते हैं हमारे पास ये हो गई है लेट्स से स्ट्रिंग, ठीक है, इस पर इधर अपन ने फोर्स अप्लाई किया है, लेट्स से मास इसका अपने पास कितना है एम है, और लेंथ इसकी अपने को कितनी बोल रखी है एल बोल रखी है। अपने को ये बोला हुआ है दैट वी नीड टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज नॉट अप्लाइड, फ्रॉम द एंड अपोजिट टू एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। जिधर फोर्स अप्लाई किया है उसके अपोजिट एंड से रस्सी में एक्स डिस्टेंस, ये रही अपने पास कोई एक्स डिस्टेंस, यहां पर ये जो पॉइंट है इस जगह पर अपने को क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इधर से डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस उधर से है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, फ्रॉम द एंड अपोजिट टू द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड, अपोजिट टू द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अपने को टेंशन कैलकुलेट करना है, इस जगह का टेंशन जो रहेगा, टेंशन का मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए, कहने का मतलब यहां पर टेंशन जो रहेगा ये आगे वाला पोर्शन जो है पीछे वाले पोर्शन पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो यहां का टेंशन रहेगा, या पीछे वाला सेक्शन जो आगे वाले सेक्शन पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रहेगा यहां का टेंशन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन में, तो यहां पर अगर अपन देखें तो सबसे पहले एक एम मास का ऑब्जेक्ट है और जो यहां से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोप और फॉर दिस रोप दिस विल बी एक्सेलरेशन दैट इज एफ अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ द रोप दैट इज एफ। तो ये पूरी की पूरी रोप जो है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगी दैट इज एफ अपॉन एम। अब अपने पास ये है, यहाँ के टेंशन की बात करनी है, तो ये इतना जो सेक्शन है
इसको खींचने वाला जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इस पॉइंट का टेंशन रहेगा, इस पॉइंट का टेंशन वो है जो पीछे वाले सेक्शन को ए एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसको ए एक्सेलरेशन से ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इस सेक्शन का मास अगर मैं बोल देता हूं ये मेरे पास कितना हो, एम वन हो, तो अगर अपने को टी की बात करनी है तो टी की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस टी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वन इंटू ए, ए की वैल्यू अपने को पता है, एम वन अपने को कैलकुलेट करना है, एम वन कितना है, एक्स लेंथ की जो रोप है उसका अपने पास मास है, तो उसके लिए वही अपना तरीका क्या है, एल लेंथ की रोप जो है उसका मास कितना है, एम, तो यूनिट लेंथ की रोप जो रहेगी उसका मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल, तो एक्स लेंथ की जो रोप रहेगी उसका मास जिसको अपन ने बोल दिया एम वन, ये हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, तो एम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एम अपॉन एल इंटू एक्स। टेंशन की बात करेंगे, दिस टेंशन, दिस इज एम अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, एफ अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, टेंशन बनेगा हमारे पास एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एल, एफ एक्स अपॉन एल, ध्यान रखें कि ये जो डिस्टेंस है वो उधर से मेजर करने के लिए आपको बोला हुआ है, एफ एल एफ एक्स अपॉन एल, तो 73 का आंसर रह जाएगा 1 एफ एक्स अपॉन एल। ठीक है, अगर आपको ये डिस्टेंस इधर से बोली होती तो एक्सप्रेशन इस वाले सेक्शन की लेंथ आती, इस वाले सेक्शन की लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा, या इधर से एक्स बोला हुआ होता तो इधर से आपके पास एल माइनस एक्स आता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ध्यान रखें, रिजल्ट अपना रहेगा इसके लिए 73 का, दैट इज एफ एक्स अपॉन एल। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन बी, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इस रेंज में होता है, a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू a प्लस बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, a माइनस बी। कहने का मतलब अभी अपने पास 5 और 10 है, तो 5 और 10 का जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है, 15, और जो मिनिमम हो सकता है मैग्नीट्यूड में बात करें तो 10 - 5, दैट इज 5। तो वो फोर्सेस जो 5 और 15 की रेंज में है वो सारे फोर्सेस ये दोनों जनरेट कर सकते हैं, इस रेंज में जो नहीं है वो इनके कॉम्बिनेशन से जनरेट भी नहीं हो सकता। देखिए, तो द रिजल्टेंट कैन बी ऑफ द रेंज, कैन बी इन द रेंज 5 to 15, इनमें से 5 से 15 के बीच में कौन आ रहा है, ये 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, ये 15 से ज्यादा है, 5 से 15 की रेंज में आ रहा है कौन, 6 न्यूटन, तो 74 का आंसर रहेगा हमारे पास कितना, 6 न्यूटन, आंसर नंबर 2। देखिए 74 आंसर नंबर 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75 पर। If CGS and MKS unit of momentum is x and y respectively, then यदि संवेग के CGS तथा MKS मात्रक क्रमशः x तथा y हो तो, ठीक है, तो पहले तो चलते हैं अपने पास MKS unit क्या है, अपने पास P जो होता है अपने पास MV, P की unit की बात करेंगे, MKS unit की बात करें तो MKS unit अपने पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास है kg और ये है मेरे पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को y जो बोला हुआ है, x जो है वो CGS है और y जो है वो MKS है, तो मैं y की बात कर रहा हूं, y that will be equals to 1, ये हो जाएगा मेरे पास kg मीटर पर सेकंड। इसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो y इधर 1 तो 1, ये हो जाएगा 10 रेस टू पावर 3 ग्राम और ये हो जाएगा हमारे पास 10 रेस टू पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड, यूनिट सॉरी नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज उधर, यूनिट्स इधर, y will be equals to ये बन जाएगा 10 रेस टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड जो हो जाएगा वो इसकी CGS यूनिट हो जाएगी, जो हो जाएगा अपने पास x, तो y will be equals to 10 raised to power 5 x, y will be अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी, x will be equals to 10 raised to power minus 5 y, x will be equals to 10 raised to power minus 5 y, जो बन जाएगा मेरे पास x equals to 10 raised to power minus 5 x, CGS ही है ना, CGS is x, okay, x will be equals to 10 raised to power minus 5 y, then एक सिंपल क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, x इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 5 बाय 75 का आंसर नंबर हो जाएगा 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76, ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन आइस, ओके, व्हेन गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, इफ इट इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, एक 2 kg द्रव्यमान का मार्बल का एक टुकड़ा है जो बर्फ पर रखा है, 6 मीटर पर सेकंड का आपने ने इसको प्रारंभिक वेग दिया है, तो घर्षण के कारण वह 10 सेकंड में रुक जाता है, तो घर्षण गुणांक का मान होगा, घर्षण के कारण जो अपने को रिटार्डेशन मिलता है ए, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू जी रहेगा,
तो अपन ने अभी कुछ इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है u, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, और थोड़ी देर में ये जाके रुक रहा है, टाइम भी दे दिया आपने को, एकदम सब कुछ सारा अवेलेबल है अपने पास मामला। फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है, जीरो। v इक्वल्स टू हमना हो जाएगा u प्लस et, v फाइनल वेलोसिटी जीरो, u की वैल्यू कितनी है 6, प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस म्यू g, और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 10, या जी की वैल्यू भी अपन पुट कर देते हैं, ये भी कितना हो गया अपना 10, तो ये हो जाएगा 100। उधर चलते हैं तो 100 म्यू दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.06, आंसर 0.06, 76 का आंसर नंबर रहेगा 1 0.06। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 गिवन इन द फिगर There are two blocks A and B of weight. एक अपने पास है कौन 50 न्यूटन का, एक दूसरा है अपने पास कितने का है 100 न्यूटन का है, ठीक है। These are being pressed against a wall by a force F. ये दोनों हैं और इनको अपन ने वॉल के अगेंस्ट क्या किया है, प्रेस किया है, ठीक है। The system is in equilibrium as shown. ये निकाय जो है ये साम्यावस्था में, this system is in equilibrium. If the coefficient of friction between blocks is 0.1, इन दोनों के बीच में coefficient of friction कितना है 0.1 है, and between block B and the wall, इस B और wall के बीच में जो friction coefficient है, that is 0.15, ठीक है। The frictional force applied by wall on the block B is, इस wall की वजह से ये friction force B पर कैसा रहेगा उसकी बात करनी है, ठीक है। दर्शाए गए चित्र में A तथा B दो पिंड हैं जिनके बाहर क्रमशः 50 न्यूटन तथा 100 न्यूटन है, ठीक है। इन पिंडों को क्षैतिज बल F द्वारा दीवार पर दबाया गया है, निकाय साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दे रखे हैं, तो अपने को यह बताना है दीवार द्वारा पिंड B पर आरोपित इस वॉल से इस B पर कैसे फोर्स लगेगा उसकी बात करनी है। चलते हैं डायग्राम बनाते हैं। इधर ये फोर्स रहा, इधर एक कॉन्टेक्ट रहेगा जिसकी वजह से A पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 1। A का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, ठीक है। A का वेट अपने को 50 दिया हुआ है। आगे A का वेट इधर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर अगर A इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इस सरफेस पर A पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ होगा, तभी आपके पास A इक्विलिब्रियम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी डिस्कस किया अभी, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो A के वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो अब अपन अगर B का FBD बनाते हैं तो B का FBD ये फ्रिक्शन इस 50 को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो अगर इस फ्रिक्शन की बात करें, इसको F1 बोल देता हूं, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। A पर ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रहेगा जो इस A के वेट को बैलेंस करेगा, एक्शन रिएक्शन से B पर ये फ्रिक्शन जो रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो B पर F1 की वैल्यू F1 जो रहेगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर अपन B का FBD बनाते हैं, ये रहा अपना B, तो A की वजह से B पर फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये रहा अपना F1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? B का वेट जो है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और B का वेट अपने को कितना दे रखा है, दैट इज 100। तो वॉल की वजह से फ्रिक्शन, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो वॉल की वजह से फ्रिक्शन जो रहेगा वो इन दोनों को बैलेंस करेगा, और फ्रिक्शन वॉल की वजह से B पर जो रहेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसको बोल देता हूं F2। तो अपने को ये पूछा है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक B, आपको F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो F2, F1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, इधर से 50 रहेगा, A इक्विलिब्रियम में है तो, और ये हो गया अपने पास इसका वेट 100। तो ये फोर्स जो रहेगा इन दोनों को बैलेंस करेगा, या F2 की इक्वेशन अगर मेरे को लिखनी है तो ये हो जाएगा F1 प्लस अपने पास WB, तो ये 50 और ये हो गया 100, तो F2 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 150 न्यूटन। एक बढ़िया क्वेश्चन, 150 न्यूटन। एज सच सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और अभी हमें को एज सच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है जो वेट और दूसरे फोर्सेस को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। 150 न्यूटन अपना इसका रिजल्ट रहेगा, 77 का आंसर नंबर रहेगा अपने पास 4, दैट इज 150 न्यूटन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 अगला प्रश्न, ए ब्लॉक इज लाइंग स्टैटिक ऑन द फ्लोर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो FL की वैल्यू अपने पास कितनी है 10 न्यूटन। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। एक गुट का क्षैतिज सतह पर रखा है, गुट के सतह के मध्य अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल जो है वो कितना है 10 न्यूटन है, यानी कि ये 10 न्यूटन सीमांत घर्षण है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यदि गुटके पर 8 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाए, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं 8 न्यूटन का,
कार्य घर्षण बल क्या होगा, ठीक है? ये अधिकतम घर्षण और दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, पर वो तब प्रोड्यूस होगा जब आपको जरूरत होगी, अगर आपको जरूरत नहीं है तो ये प्रोड्यूस भी नहीं होगा, ठीक है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अपने पास इधर की बात है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अपन ने अप्लाई किया है, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 8 न्यूटन, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो सकता है वो है आपके पास FL और वो कितना है 10 न्यूटन, ये चाहिएगा तो जनरेट होगा। अपने को इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रखना है, अभी ये 8 न्यूटन 10 न्यूटन से कम है, कहने का मतलब सरफेस बोलेगी हाँ ऑब्जेक्ट को अपन रेस्ट पर रख सकते हैं, रेस्ट पर रखने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए 8 न्यूटन, बाहर से लग रहा है अपने को 8 न्यूटन ही चाहिए जो इसको क्या करेगा एडजस्ट कर देगा, ठीक है? तो यहां पर फ्रिक्शन जो ऐड करेगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन विल ओनली बैलेंस दिस एक्सटर्नल फोर्स, 10 न्यूटन फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना चाहिए उतना पीछे जनरेट हो जाएगा और यहां पर कितना रहेगा ये अपने पास 8 न्यूटन, तो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी 8 न्यूटन। 78 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, दैट इज 79 जो हमारे पास बन रहा है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एक्सपांड हो गई है, लेट्स से दिस इज एक्स, तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा दैट इज Fs, इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ वेट रहेगा दैट इज Mg, और रिस्टोरिंग फोर्स जो रहेगा वो इसको क्या करेगा बैलेंस करेगा, डायरेक्शन अपन ने x के अपोजिट डायरेक्शन में बता दिया है इसको, तो Fs जो रहेगा वो अपने पास मैग्नीट्यूड में किसके बराबर रहेगा Mg, मैग्नीट्यूड में Fs किन रहेगा kx और डायरेक्शन इसकी अपोजिट है ही है, दिस इज Mg और x की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी Mg अपॉन क्या हो जाएगा अपना k। 79 का अपना आंसर रहेगा दैट विल बी Mg अपॉन k, Mg अपॉन k जो रहेगा दैट इज 4। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर फोर्स बैलेंस लगेगा, अगर आप लोगों ने यहां पर अगर ट्रांजिएंट स्टेट होती तो हमारे पास फिर अपन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, यहां पर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स बैलेंस Mg अपॉन k एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। 79 का रहेगा आंसर नंबर 4। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80, वेलोसिटी ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट चेंजेस एज शोन इन फिगर व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। 2 kg द्रव्यमान के पिंड पर एक नियत बल आरोपित किया जाता है तो इसका वेग चित्र में दर्शाए अनुसार परिवर्तित होता है, आरोपित बल का मान होगा, ठीक है? तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे भी इसको सॉल्व करो, यहां पर ये क्या हो गया t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, 5 सेकंड के बाद ये हो गई अपने पास फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारे पास टाइम, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो उससे फोर्स कैलकुलेट कर लो, नहीं तो अपने पास क्या है इधर हम लोग जानते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एफ डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल्स टू एम, ये हो जाएगा अपने पास वी माइनस यू, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टी अपने पास जो बन चुका है वो कितना है 5 है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है दैट इज 2, वी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 15 है, यू की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 है, तो एफ इंटू ये हो गया अपने पास 5 इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगा 20, तो एफ दैट विल बी इक्वल्स टू 20 अपॉन कितना हो जाएगा 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन, 20.5 4 न्यूटन, ठीक है? तो 4 न्यूटन विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ फोर्स 4 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन, 80 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा मेरे पास 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है ये, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके फाइन, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, अपने पास ये चल रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट t इज इक्वल्स टू 4, ठीक है? ओके, 10 kg द्रव्यमान के लिए एक पिंड सरल रेखा पर गतिशील है, इसके लिए विस्थापन समय का अपने को क्या दे रखा है, समीकरण दिया हुआ है, तो आपको t बराबर 4 सेकंड पर पिंड पर कार्यरत बल ज्ञात करना है, ठीक है? F के लिए अगर अपन चले तो F will be equals to ma और a जो रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा dv upon dt, या उसको बोल सकते हैं अपन d square x upon dt square, तो x का expression दे रखा है, अगर मैं v का expression calculate करूं तो differentiation, ठीक है? ये कितना हो जाएगा 3t square minus हो जाएगा अपने पास कितना 2 excuse me, ये हो जाएगा इसका differentiation 0, हमारे पास velocity का expression बन जाएगा that is v that is 3t square minus 2, ठीक है? 3t square minus 2, इसके according acceleration का expression बनाते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 60, ये हो गया 0, acceleration will be equals to 60, तो अगर अपन force की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m into ये हो गया अपने पास 60, तो f will be equals to हमारे पास 6 mt हो जाएगा, और t की value
सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, अपने पास 6, m की वैल्यू कितना है 10, m इज 10, और t की वैल्यू कितना है अपने पास, ये बन रहा है अपने को 4 सेकेंड, t इज 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 240 न्यूटन, 24 और 10, 240 न्यूटन, 240 न्यूटन, 81 का आंसर नंबर रहेगा अपना 2, 81 आंसर नंबर 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82, ए मैन क्लाइम अप ए लाइट रोप, ओके, हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज नीटा विच इज ग्रेटर देन 1 टाइम्स ऑफ हिज वेट, ओके, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो दैट द रोप जस्ट डज नॉट ब्रेक। एक व्यक्ति हल्की रस्सी जिसका थ्रोटन सामर्थ्य उस व्यक्ति के भार का नीटा गुना है पर ऊपर चढ़ता है, व्यक्ति का वह अधिकतम त्वरण क्या होगा जिस पर रस्सी नहीं टूटेगी। आदमी ऊपर जा रहा है, ये अपने पास रस्सी, ठीक है, और ये रहा अपने पास आदमी, और इस आदमी को अपने को कहां लेके जाना है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाना है, इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ऊपर की तरफ टी माइनस एम जी, टी माइनस हो जाएगा एम जी, दैट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा एम ए। आपको ये बोला हुआ है कि इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो सकता है दैट इज नीटा टाइम्स ऑफ हिज वेट, तो ये अपने पास कितना हो गया नीटा एम जी माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, एम से एम से एम कैंसल, जी को कॉमन ले लेते हैं, तो ए विल बी इक्वल टू दिस विल बी नीटा माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा जी। एक सिंपल क्वेश्चन, ए विल बी इक्वल टू नीटा माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा जी, 82 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 1, 82 आंसर नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83, द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, अपने पास ये रहा मामला, अपने पास मोमेंटम का इक्वेशन दे रखा है पी, दैट इज ए प्लस बी टी स्क्वायर, और हम लोग को ये पता करना है दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू, एक कण का रैखिक संवेग उपरोक्त समीकरण द्वारा दिया जाता है, टी समय ए तथा बी नियतांक है, तो पिंड पर कार्यरत बल समानुपाती होगा, ठीक है, तो अपन जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इजिकल्स टू क्या रहेगा तुम्हारे पास डीपी अपॉन डीटी, तो एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिफरेंशिएशन करना है इसका, डिफरेंशिएशन ए का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है जीरो, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कौन टू बी टी, तो एफ का एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारे पास कितना टू बी टी, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टाइम टू द पावर वन, टाइम टू द पावर वन, तो इसका आंसर जो बन जाएगा टाइम टू द पावर वन, एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर वन। 83 का आंसर रहेगा हमारे पास कितना आंसर नंबर 2, ठीक है, टाइम टू द पावर वन, 83 आंसर नंबर 2। चलते हैं 84 पर। 84, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी विल बी, ठीक है, दर्शाए गए निकाय में बी तथा सी को जोड़ने वाली डोरी, बी तथा सी टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस वाली स्ट्रिंग में अपने को क्या करना है टेंशन कैलकुलेट करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये रही स्ट्रिंग, इसके बारे में बात करनी है, सबसे पहले यहां पर अगर टेंशन मेरे पास टी हो, तो ये टी की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूं, एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन सम ऑफ मासेस, 4g इधर खींचेगा 3g इधर खींचेगा, तो 4g माइनस 3g अपॉन सम ऑफ मासेस कितना हो जाएगा अपने पास 3 और 4 7, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास जी बाई 7, दैट विल बी द एक्सेलरेशन। अब अगर अपन बात करते हैं तो इक्वेशन यहां पर अपने पास कौन है टी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन रहेगा 2g, और ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इक्वेशन क्या लिखी जाएगी इसकी 2g माइनस का t, दैट विल बी इक्वल टू 2 इनटू क्या हो जाएगा a, 2g इधर माइनस का t, दैट इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी है g बाई 7, तो अगर अपन t की बात करेंगे तो t हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 2g माइनस 2g अपॉन कितना हो जाएगा 7, 7 2 जा 14 और 14 माइनस 2 12g अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास 7, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी 12g अपॉन 7, 12g अपॉन 7, ये रहेगा अपने पास 84 का आंसर नंबर रहेगा 3, 84 आंसर नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, ए मशीन गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकंड एंड द मास ऑफ ईच बुलेट इज m, इफ v इज द स्पीड ऑफ ईच बुलेट देन फोर्स एग्जर्टेड ऑन द मशीन गन विल बी, ठीक है, एक मशीन गन n गोलियां प्रति सेकंड दागती है, प्रत्येक गोली का द्रव्यमान m तथा चाल v हो तो मशीन गन पर आरोपित बल होगा,
ठीक है, एफ की जब अपन बात करेंगे तो एफ क्या होता है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, या एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। जब अपन एक बुलेट एम मास की वी वेलोसिटी से फायर कर रहे हैं तो बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, दैट इज एम वी। एक्शन रिएक्शन से बुलेट पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो गन पर भी अप्लाई होगा, तो बुलेट पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो उसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, उसकी वजह से गन पर भी वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो अगर अपन यहां पर एफ की बात करें तो एक बुलेट के लिए अपने पास क्या सिचुएशन है, एक बुलेट के लिए ये है अपने पास उसका चेंज इन मोमेंटम कितना है एम वी। अपन फायर कर रहे हैं कितना, एन बुलेट, तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा एन एम वी, और आपको बोला है पर सेकंड का मतलब टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये हो जाएगा 1 सेकंड। तो फोर्स अप्लाइड एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एन वी, एम एन वी विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन गन, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन गन एन एन वी। 85 का आंसर नंबर रह जाएगा हमारे पास कितना, 1। ठीक है, चलते हैं अपन, 85 हो गया, एम एन वी अपन चलेंगे 86 पर। A block of mass 5 kg is resting on a rough horizontal surface of which the coefficient of friction is 0.2. ठीक है, ये अपने पास 5 kg का एक मास है जो इस जगह पर रखा हुआ है और यहां पर कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपने को दे रखा है, दैट इज 0.02। ठीक है, व्हेन ए फोर्स 40 न्यूटन इज अप्लाइड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ठीक है, अब ये फोर्स जो दे रखा है ये 40 का दे रखा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट दैट इज 40 cos 30, ऐसे ही लिख देता हूं एक बार में, cos 30 दिस विल बी 40 रूट 3 बाई क्या हो जाएगा अपने पास 2, जिसको लिख सकते हैं 20 रूट 3। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट बन रहा है वो अपने पास क्या बन रहा है, 20 रूट 3, और अपने पास पीछे की तरफ फ्रिक्शन की अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन अभी चल रहा है, फ्रिक्शन पीछे जो रहेगा दैट विल बी म्यू एन, पर एन की जब बात करेंगे तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा और वो हो जाएगा आपके पास कितना, 40 साइन कितना हो जाएगा 30, 40 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 20 इधर रहेगा। तो अब अपने पास ब्लॉक की सिचुएशन ये हो गई है कि ब्लॉक पर ये 5 kg का ब्लॉक है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 इंटू जी या ये हो जाएगा अपने पास 50। ऊपर की तरफ कौन रहेगा अपने पास, एक तो नॉर्मल है और एक ऊपर की तरफ फोर्स का कंपोनेंट बन रहा है, वो कितने का बन रहा है, 20 न्यूटन का कंपोनेंट बन रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन जो अगली चलेगी यहां पर ये बन जाएगा अपने पास कितना, इक्वेशन अगर अपन लिखे तो एन प्लस, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ नहीं मूव कर रहा है तो इस इधर वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एन प्लस 20 विल बी इक्वल टू 50, तो यहां पर एन की वैल्यू बन जाएगी अपने पास कितनी, 30 न्यूटन। एन हो गया अपने पास 30 न्यूटन, जिसकी वजह से अगर अपन फ्रिक्शन की बात करते हैं तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो रहेगा, फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 0.2 और इंटू एन की वैल्यू कितनी आ गई है 3, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2, 3 ये बन जाएगा 6, तो फ्रिक्शन बन जाएगा मेरे पास 6 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब इसके एक्सेलरेशन की बात करनी है, अपन देख रहे हैं कि इधर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज 20√3 और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इस पर, फ्रिक्शन दैट इज 6 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन दैट इज 20√3 माइनस क्या हो जाएगा 6, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 5 इंटू हो जाएगा ए 20√3 20, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1.73 और ये बन जाएगा -6 दैट इज इक्वल टू 5a। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.7, इसको मैं ले सकता हूँ 34 -6 दैट इज इक्वल टू 5a और ये बन जाएगा अपने पास कितना 28 दैट इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू जो रहेगी वो 28 अपॉन कितना रहेगा 5। तो ये थोड़ा सा अपना जो सिचुएशन रहेगी इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, 5 25 और 3 और तो 0.6, 5.6 के आसपास जो ऑप्शन रहना है, 5.6 का एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, ये कितना है 5.73, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 5.73। एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर रहेगा मेरे पास 87, देखते हैं क्या बोल रहा है। A body of mass 10 kg is suspended by a spring balance, okay, on a frictionless inclined plane as shown in figure. The spring balance will measure. ये रहा अपना spring balance वो measure करता है जो आपका spring balance वो measure करता है जो spring का आपका restoring force होता है, ठीक है। 10 kg द्रव्यमान की वस्तु चित्र में दर्शाए अनुसार एक स्प्रिंग तुला पर घर्षण रहित नत्तल पर लटकाई गई है, तो इसका पाठ्यांक क्या होगा? तो इधर जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स है वो ही इसका क्या रहेगा, रीडिंग रहेगा, जो बैलेंस करेगा आपके किसको, एम जी साइन थीटा को।
तो बेसिकली स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर, ठीक है, वही आपका स्प्रिंग बैलेंस जो रहेगा उसकी रीडिंग रहेगी, और वो रहेगा अपने पास कितना, एम जी साइन थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, ये चल रहा है 10, इसकी वैल्यू ले लो 10, ये हो गया साइन 30 एक बटा दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 50 न्यूटन, 50 न्यूटन विल बी द स्प्रिंग बैलेंस मेजरमेंट। आप ये ध्यान रखें कि यहां पर अभी न्यूटन में दे रखा है, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट का मास भी देता है कि स्ट्रिंग विल शो द मास, तो वो इसके इक्विवेलेंट mg से बैलेंस करके अपने को सॉल्व करना होता है। अभी अपने को न्यूटन ने दिया हुआ है स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, ये मेजर जो करेगा इसका जो रीडिंग होगा दैट विल बी 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर रहेगा हमारे पास कितना, 50 न्यूटन। डन, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 क्वेश्चन नंबर 88 जो बोल रहा है वो ये है, ए मैन ऑफ वेट w इज स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। The apparent weight of man, the apparent weight जो होता है वो अपने पास W effective, that is equals to M G effective रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो M, अभी ये weight W है, इसका मतलब इसकी value कितनी है, ये Mg है, ठीक है। M G effective, lift जब ऊपर जाती है तो G effective क्या होगा तुम्हारे पास, G plus A, lift moving upward with acceleration A, तो G plus A। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, G कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा Mg 1 plus ये बन जाएगा A upon G, Mg की वैल्यू हो जाएगी आपके पास W, दिस विल बी 1 plus A upon क्या हो जाएगा मेरे पास G, दिस विल बी apparent weight W effective, W 1 plus A by G, W 1 plus A by G, 88 का आंसर रहेगा अपना आंसर नंबर 1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89, फॉर ए रफ सरफेस रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी, ठीक है, एक खुरदरी सतह के लिए स्थितिक घर्षण गुणांक की परास होगी, घर्षण गुणांक म्यू एस। अगर अपन बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन पर म्यू एस जो रहता है वो क्या रहता है, 10 थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन, और इसको एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण भी हम लोग बोलते हैं। तो एक इंक्लाइन पर अगर अपन बात करें तो एक इंक्लाइन पर ये ऑब्जेक्ट अपने पास रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जिस एंगल पर स्लाइड करना शुरू कर जाता है उस थीटा के लिए अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू 10 थीटा रहेगा, ठीक है। जीरो अगर है, जीरो का मतलब तो फ्रिक्शन है ही नहीं, बट अपने पास रफ सरफेस है यानी कि आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जीरो से ज्यादा ही रहेगा, पॉइंट नंबर 1। बट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अपन जानते हैं कि 10 थीटा की रेंज क्या रहती है, 10 थीटा इज जीरो को छोड़ते हुए इनफाइनाइट तक आपके पास 10 थीटा रहता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहेगा वो इनफाइनाइट तक रहेगा। कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा कंडीशन जिसमें आपने इस इंक्लाइन का जो को एकदम वर्टिकल कर दिया है और ब्लॉक यहीं पर चिपका हुआ है, यहां से गिर ही नहीं रहा है, तो उस टाइम पर तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पर ऑब्जेक्ट का वेट जो रहेगा वो फ्रिक्शन से ही बैलेंस होगा, यहां पर एकदम अटैच है तो, और इस टाइम पर इस केस के लिए आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, दैट इज 1090। 1090 कितना होता है अपने पास, इनफाइनाइट। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो रेंज रहती है दैट इज फ्रॉम ग्रेटर देन जीरो, जीरो होगा तो सरफेस फ्रिक्शन लेस हो गई है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट, आंसर नंबर 4। एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 10 थीटा की रेंज है एक तो, ठीक है, 10 थीटा विल बी बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्सेज कुड बी इन इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा जो निकाय दिया है, संयोजन दिया है, वो साम्यावस्था में रह सकता है, तो उसके लिए अपन जानते हैं कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होता है वो हमारे पास हमेशा किस रेंज में मिलता है, ए प्लस बी से ए माइनस बी के बीच में, तो आर जो रहेगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए प्लस बी, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए माइनस बी। अगर आपके पास जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर अपन बात करें तो आप दो कोई भी फोर्सेस ले लो और तीसरे फोर्स को चेक करोगे वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जैसे अपन बात करते हैं 3 और 5, 3 और 5 का मैक्सिमम कितना मिलना है तुमको, 8, 5 और 3 8, मिनिमम कितना मिलना है, सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, तो 5 माइनस 3 कितना मिलना है, 2। 2 से 8 की रेंज में इन दोनों से फोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो क्या ये दोनों मिलकर 9 न्यूटन को बैलेंस कर सकते हैं क्या, 2 से 8 की रेंज में ही प्रोड्यूस हो सकता है, तो 9 न्यूटन कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। 4 5 मैक्सिमम कितना है, 9, मिनिमम कितना रहेगा, 1, 1 से 9 की रेंज में 10 नहीं आता है, तो ये भी सिस्टम नहीं रह सकता है। 30 और 40 मैक्सिमम कितना रहेगा, 70, मिनिमम कितना रहेगा, 10, 10 से 70 में 80 नहीं आता है, तो ये सिस्टम भी बैलेंस नहीं रहेगा। इधर
चार और तीन मैक्सिमम कितना रहेगा, सात, मिनिमम कितना रहेगा, एक, सात से एक या एक से सात के बीच में आपके पास 6 न्यूटन आता है। कहने का मतलब ये दोनों मिलके किसी भी एंगल पर एक्ट करके इस सिस्टम को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, 6 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो 60, 90 का आंसर नंबर रहेगा 4। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपके मार्क्स अच्छे हुए आएंगे, और अगले एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।